आज का हमारा बेसिक जो एजेंडा है वो एडोबी इलस्ट्रेटर को हमने देखना है। और एडोबी इलस्ट्रेटर की क्या डिटेल्स हैं, आप इसको अगर इसके बारे में जानना चाहो तो, और कुछ नहीं तो गूगल के ऊपर आप इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हो, या आप कोई एआई वेबसाइट ओपन कर लो, कोई भी एआई वेबसाइट ओपन कर लो। और इन रिसेंट टाइम मैंने कई दफा ओपन भी की, और दोबारा से आपको बता दूं, गूगल और चैट जीपीटी वेरी फेमस। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बार बार आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी, जो एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी क्यूरीज का आंसर बहुत जबरदस्त किस्म के से आप जो प्रॉम्प्ट करोगे उसके मुताबिक देगा, मतलब जो क्यूरीज जानना चाह रहे हो, जो आप समझना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। चैट जीपीटी ये आपको अलाउ करेगा कि आप यहाँ पे चैट जीपीटी वेबसाइट पे जाके, ये चैट जीपीटी वेबसाइट पे जाओ, क्यूरी दो, यू वांट टू नो अबाउट फेवरेट ग्राफिक टूल्स फॉर डिजाइनर्स। देखते हैं, यहां से भी अगर आपको कुछ नहीं पता, आप यहां पे जाके इन टूल्स के बारे में डिटेल मालूम कर सकते हो। पॉपुलर ग्राफिक टूल्स अमंग डिजाइनर्स इंक्लूड, एक सॉफ्टवेयर जो आना चाहिए, एडोबी फोटोशॉप। क्या मकसद होता है? एक पावरफुल टूल है, किस मकसद के लिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, फोटो एडिटिंग के लिए, कंपोजिटिंग, डिजिटल पेंटिंग वगैरह के लिए, ग्राफिक डिजाइन करने के लिए। और आज जो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर। ये किन लोगों के लिए जरूरत है? जो क्रिएट करते हैं ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब लोगोज एंड इलस्ट्रेशंस। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर ऑल दोज ग्राफिक डिजाइनर, जो फ्यूचर में आप ऐसी प्रोडक्ट्स को जानना चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट एडोबी इलस्ट्रेटर। व्हाई वी यूज एडोबी इलस्ट्रेटर, गिव मी सम रीजंस। और ये आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जहां कहीं देखो, अगर आपको पूछता है ना कि वो रीजन तो बताओ कि आप क्यों इसको इस्तेमाल करते हो इलस्ट्रेटर को, जहां कहीं स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड है, स्केलेबिलिटी समझते हो? एक आपने लोगो बनाया और लोगो को आपने कार्ड पे लगाना है, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लोगो को आपने लेटर पैड पे लगाना है कंपनी के, आप लगा सकते हो? लोगो को आपने बिल बोर्ड पे लगाना है, बैनर पे लगाना है, ब्रोशर पे लगाना है, फोर आप कवर पेज पे लगाना है, आप लगा लो। जहां कहीं ऐसा डिजाइन जिसको स्केल करना रिक्वायर्ड हो, छोटे से कार्ड से लेके बड़े से बिल बोर्ड पे, आपके लिए राइट चॉइस जो है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपकी पसंदीदा जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो इलस्ट्रेटर है। तो ये मुझे बताया चैट जीपीटी ने। मैं कहीं पे गया एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो मुझे ये जानना है, या बिल्कुल मेरा भी स्टार्टर है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि मुझे कौन से टूल सीखने चाहिए और क्यों, व्हाई वी नीड टू लर्न इलस्ट्रेटर। तो मुझे ये पता चला ये वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से एज ए डिजाइनर आप इन रीजन की वजह से इसको सिलेक्ट किया आपने इलस्ट्रेटर को। पहले मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको अपनी सीवी में ऐड करने चाहिए। आपको टॉप ऑफ द लिस्ट बता दिया उसने, फोटोशॉप आपको आना चाहिए, माशाल्लाह आपने सीख लिया। नेक्स्ट लिस्ट में आपको बता रहा है इलस्ट्रेटर आपको आना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू मेक वेक्टर ग्राफिक्स, आपको सर ये वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? जहां पे स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, साइज छोटा, कार्ड के ऊपर लोगो बनाओ, टाइटल पेजेस पे बनाओ, ब्रोशर्स पे बनाओ, फ्लायर्स पे बनाओ, कवर पेजेस पे बनाओ, बैनर पे बनाओ, यूट्यूब थंबनेल पे बनाओ, बिग बिलबोर्ड पे बनाओ।
लोगो छोटा भी हो सकता है, कार्ड के ऊपर भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, बिलबोर्ड पे जो 50 50 फीट का लगा हुआ है वायर। जब कभी इस तरह का कंटेंट आपको रेडी करना हो, ऑलवेज गो विद इलस्ट्रेटर, नॉट विद फोटोशॉप। फोटोशॉप टूल जरूर है फोटो एडिटिंग के लिए, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग विच नीड टू स्केल अप और डाउन, इसको बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। आप कभी किसी महफिल में हो, मीटिंग में हो, किसी टीम में हो, आप उसको बताओगे, अपनी टीम को अगर आप लीड कर रहे हो, आप बताओगे कि क्यों हम इलस्ट्रेटर में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे डिजाइन बनाने हैं, और एक ऐसा डिजाइन बनाना है लोगों जो कि कार्ड के लिए भी वैलिड हो और बिल बोर्ड 50 50 फीट के पे भी वैलिड हो। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम इलस्ट्रेटर, और ये वो पॉइंट नंबर वन है जो की रीजन है, वेक्टर ग्राफिक क्रिएशन रिक्वायर्ड है, मतलब जहां पे आप लोगों को स्केलेबिलिटी चाहिए। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटर इज वेक्टर बेस्ड डिजाइन टूल, मीन्स व्हाट आर्ट वर्क क्रिएटेड इन इट कैन बी स्केल्ड स्केल्ड इनफिनिटली विदाउट लूजिंग क्वालिटी है। फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, फोटोशॉप में अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, स्केल अप करके देख लो, वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सलेट हो जाता है, पिक्सल वाजे तौर पर नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने किसी आर्ट बोर्ड अपना बनाया है कार्ड के लिए, उसी साइज में ठीक है, लेकिन उसको खींच के अगर बड़ा कर दोगे, या तो कैनवस का साइज ही बड़ा रखो 15 फुट बाय 15 फुट, उसमें बनाओ ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन उसको अगर आप स्केल डाउन करोगे खराब हो जाएगा, स्केल अप करोगे खराब हो जाएगा, दोनों सूरतों में खराब हो जाएगा। क्यों? वो आपकी ग्राफिक डिजाइनर की वो टूल जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है वो रास्टर है, पिक्सल बेस्ड है। पिक्सल बेस्ड के लिए जो आपका पिक्सल पे बेस कर रहा होता है डिजाइन, वो आपका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो जहां पे स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, चाहे वो कार्ड के ऊपर डिजाइन हो, चाहे उसको बड़ा कर दो जितना मर्जी स्केल आप, या डाउन कर दो, खराब नहीं होता। और यही बताया गया इन दो लाइनों में, स्केलेबिलिटी आप उसके लिए बेस्ट, और आप विदाउट लूजिंग क्वालिटी। और ये इसी वजह से ये स्टैंड आउट करता है एज ए सॉफ्टवेयर आइडियल फॉर क्रिएटिंग लोगोस, आइकन्स एंड अदर ग्राफिक्स दैट नीड टू बी रिसाइज्ड फ्रीक्वेंटली। कभी नहीं फोटोशॉप में जाना अगर आपने कोई डिजाइन बनाने हो, लोगोस आइकन्स, आपको पता है लोगो बिलबोर्ड पे भी तो लोगो ही लगाना है, ये थोड़ी एक बिलबोर्ड के लिए अलग से कोई लोगो बनाना है। एक चीज जो आपने कार्ड के लिए बनाई है, अगर बिलबोर्ड पे वो आपको 5 by 5 foot का बड़ा साइज चाहिए, तो ये थोड़ी है उसके लिए कोई अलग से डिजाइन बनाओगे। हाँ फोटोशॉप में होते जरूर बनाना पड़ता आपको, मसला ही मसला। इसमें डिजाइन बनाओ, उसको जिस मर्जी साइज पे बड़ा कर लो, छोटा कर लो, किसी किस्म की डिस्टॉर्शन पिक्सलेशन नहीं होती, क्योंकि वो बेस कर रहा है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ऑन वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब है स्केल अप करना, स्केल डाउन करना। हाँ बिहाइंड द सीन उसके ऊपर फार्मूलाज लगे होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं। अगर वो सर्कल आपका एक बना हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, एक सर्कल लोगो बना हुआ है, उसको जब आप स्केल अप करोगे, वो उसको मल्टीपल बाय दैट उस स्केल के ऊपर हाई वैल्यू के साथ उसका रेडियस जनरेट करके बड़ा दिखा देगा, और अगर छोटा करना हो छोटे रेडियस के साथ वापस से रिक्रिएट करके छोटा दिखा देगा। मैथमेटिकल फार्मूला लगे होते हैं बिहाइंड द सीन, वो आपका रेडियस को जस्ट प्ले करता है वैल्यू को, और वैल्यू के मुताबिक मैथमेटिकल फार्मूले के मुताबिक उसको बड़ा स्केल अप या डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैथमेटिकल फार्मूला बिहाइंड द सीन वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें आगे भी कुछ उसने एक्सप्लेन किया है कि रीजन बताई है स्टूडेंट्स आप लोगों को, कंट्रोल्स हैं, प्रिसिशंस हैं, ये आपको मजीद इस सॉफ्टवेयर को आपके लिए और मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब वो देखो, अब आप कहोगे क्या इसमें मजीद आपके पास फैसिलिटी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, क्या ऑफर करता है, प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मेकिंग इट इजियर टू क्रिएट डिटेल डिजाइन विद परफेक्ट सिमेट्री एंड अलाइनमेंट। ये बड़ी जबरदस्त फीचर है, और सिमेट्री अगर अच्छी हो, अलाइनमेंट अगर अच्छी हो, हर चीज अपनी जगह पे पड़ी हो, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। एक नाक ही गलत जगह लग जाए खराब हो जाता है ना फोटो। इसी डिजाइन में अगर एक चीज गलत लग जाए, अलाइनमेंट सिमेट्री ये वो, जहां सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने, बड़ा परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए,
और इसमें एक टूल ऐसा है जो फोटोशॉप में भी था, जो इलिस्ट्रेटर में भी है, आएगा, और कॉरल में भी है, बड़ा फेमस टूल है पेन टूल। इससे, और ये ऐसा जबरदस्त टूल है जिससे आप हर तरह की कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हो। बड़ी फेमस है, रेक्टेंगल है मिलेगा, एलिप्स है मिलेगा, स्टार है मिलेगा, पॉलीगॉन है मिलेगा, ट्रायंगल है मिलेगा, लाइन है मिलेगा, आप जितनी मर्जी साइड्स की पॉलीगॉन बनानी मिलेगा, 3 साइड से लेके 100 साइड तक मिलेगा। लेकिन पेन टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप जिस तरह की मर्जी शेप बना लो, जिस तरह, जिससे आपके हाथ में पेन पकड़ा दीजिए या पेपर दे दीजिए, आप जो मर्जी बना लो, इसमें भी पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको यूज करोगे, विच इज एसेंशियल फॉर कस्टम इलस्ट्रेशंस एंड लोगोस। अच्छा, अगली बात, ये क्यों स्टैंड आउट करता है अदर टूल्स के निस्बत सॉफ्टवेयर दिस वन? इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की रेंज ऑफ टूल्स है अपनी फीचर्स के साथ, जबरदस्त किस्म के। आप इसमें टाइपोग्राफिक कर सकते हो, इलिस्ट्रेशन भी बना सकते हो, मतलब कंटेंट अपना रेडी करना, डिफरेंट शेप्स को मिला के आपको अपना पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें याद रखना, फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं जिसके ऊपर आप सारा कंटेंट अपना सेट करते हो, इसमें डायरेक्टली इसका नाम है आर्टबोर्ड, इसको हम इसमें आर्टबोर्ड ही बोलते हैं। फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, पेज को जो भी साइज हो उसका, उसकी रेजोल्यूशन, विड्थ और हाइट जो भी हो, उसको हम आर्टबोर्ड बोलते हैं। डिफरेंट आर्टबोर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप अगर चाहो लेटर साइज मिलेगा, आपको बिजनेस कार्ड मिलेगा, आपको लीगल पेज मिलेगा, A4 साइज मिलेगा, बैनर का साइज मिलेगा, यूट्यूब थंबनेल साइज मिलेगा, आपको सारे साइज जैसा कैनवस के होते हैं, आर्टबोर्ड भी उस साइज में, जिसके ऊपर आप अपने कॉन्टेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइपिंग, जोहर टाउन टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफिक, से आपको पता है कोई भी कंटेंट है टाइप के बगैर तो कंप्लीट होता नहीं। आप बिजनेस कार्ड ले लो, आप फ्लायर ले लो, ब्रोशर ले लो, कवर पेज ले लो, बुक ले लो, कोई भी चीज बनानी हो, टाइपिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको प्रोवाइड करता है वे कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग बोथ इलस्ट्रेशंस एंड टाइपोग्राफिक। दिस इंक्लूड एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी इसमें अवेलेबल है। आप किसी पाथ के ऊपर भी टेक्स्ट लगा सकते हो, स्टार के ऊपर, लाइन के ऊपर, कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर, टेक्स्ट ऑन ए पाथ, और ये एबिलिटी देता है आप इंडिविजुअल लेटर की टाइप फेसिंग भी कर सकते हो। आपने एक लिखा हेडलाइन, हेड का, एच का, कलर अलग, फॉन्ट अलग, साइज अलग, हर चीज अलग अलग हो सकती है टाइपोग्राफिक में, इंडिविजुअल लेटर तक आप अपने डिफरेंट वेरिएशन। और इसमें जो बताया गया आर्टबोर्ड, इसमें आर्टबोर्ड्स आपके वो एरिया, वो आपका जैसा कैनवस था फोटोशॉप में, इसमें इस क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड्स। और ये है क्या, ये आपको एक नहीं, आप जितने मर्जी आर्टबोर्ड बनाते जाओ। एक आपके पास क्लाइंट आता है, वो कह रहे हैं यार मुझे 5 पोस्ट लगानी है, हर वीक में एक पोस्ट बना के लगानी है, या मेरे कोई चैनल चल रहा है, 5 मैं आपको डिस्क्रिप्शन भेज देता हूँ, इसके मुताबिक एक अच्छा सा थंबनेल बना दो, अच्छी सी को फोटो ढूंढो, अच्छा सा इमेज लगाओ, बड़ा अट्रैक्टिव इमेज लगाओ, जो थंबनेल ऐसा बनाओ कि उसको देखते ही एक आपकी अट्रैक्शन फील करे आपका व्यूअर कि इसको ओपन करना ही करना है, इतना जबरदस्त थंबनेल बनाओ जो आपको अट्रैक्ट कर सके, उस वीडियो को प्ले करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा खूबसूरत थंबनेल। तो लाजमत है आपने, अगर आपने कोई, आपके पास 10 15 20 100 वीडियोज हैं, और अगर आप किसी, कोई आपको क्लाइंट कहता है यार मैं वीडियोज कि डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूं कि इस वीडियो में ये मैंने, इसकी डिटेल ये है, इसका एक अच्छा सा थंबनेल बना दो, हो सकता है कल को आप इसी जॉब पे लग जाओ कि आप यूट्यूब चैनल के थंबनेल बनाने शुरू कर दो, बिजनेस कार्ड तो अपनी जगह, थंबनेल के ऊपर ही कमाई करने शुरू कर दो, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं यूट्यूबर, टाइम ही नहीं होता, मेरे पास नहीं टाइम होता, मिसाल के तौर पर मैं रफली ऐसे बना बनू के ना लगा लू देता हूँ, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डिजाइनर हो और आपकी जॉब ही ऐसी है, तो आप अच्छे अच्छे मुझे अगर थंबनेल बना दो और मैं आपको पे करना शुरू कर दूं कल को, हो सकता है ऐसी नौबत आ जाए, लेकिन ऐसे ऐसी तो वीडियोस आप लॉगिंग, वी लॉगिंग करते हो, आप कुकिंग के चैनल है आपका, आप रियल एस्टेट बिजनेस से हो, आप किसी एजुकेशनल बिजनेस साइट पे काम करते हो, उसके ऊपर आपके वीडियोज बनते हैं, वीडियोज बनते हैं, ट्रेनिंग के वीडियोज हो सकते हैं, मैं आपको अगर डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ये भाई इसके अंदर मैंने ये चीजें रखी हैं, इससे रेलेवेंट अच्छे से
इमेजेस लगाओ साथ में कंटेंट के ऊपर, अच्छा सा फॉन्ट लगाओ, ग्राउंड बैकग्राउंड ये वो सेट करके ना एक थंबनेल बना दो जो कि मैं लगाऊं अपने चैनल के वीडियोस के ऊपर, कुछ भी हो सकता है कंटेंट। तो ये आपको मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, उसके ऊपर आप अपने डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डिजाइन को आप अपना बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एट वन प्लेस आर्टबोर्ड। ये पॉइंट नंबर थ्री है। फिर इसमें एक और चीज इसने कही है जो बड़ी अट्रैक्टिव है हमारे लिए आपके लिए एज ए डिजाइनर। इसमें पता क्या है, Adobe की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। मतलब क्या, सीमलेस वर्क फ्लो सेट करने के लिए आप स्मूथली क्लाउड के ऊपर अगर आप जाते हो, या आप एज ए डिजाइनर आप फोटोशॉप में काम कर, आप इन डिजाइन आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर रहे हो, ब्रिज में काम कर रहे हो, आप प्रीमियम प्रो में काम कर रहे हो, आप एडोबी एनिमेट में काम कर रहे हो, आपके लिए जो आपने क्रिएटिव माइंड को यूज करते हुए कुछ डिजाइन आर्टबोर्ड पे क्रिएट किया या फोटोशॉप में क्रिएट किया, आप उसको उठा के फोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर से उठा के आप एनिमेट में ले जाओ, एनिमेशन बनाना है आपको। इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी मैं आपको आफ्टर दिस सॉफ्टवेयर मैं आपको एनिमेशन के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स दूँ। एनिमेशन गो के फोटोशॉप में मैंने टच दिया था छोटा सा, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सा एक कैनवस के ऊपर मैंने कुछ रनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको फ्लोट करते हुए दिखाए, ठीक है। कुछ और भी जिसमें मैंने वो एक मॉडल की जस्ट फेसिस के एक्सप्रेशन चेंज करके आपको दिखा दिया, वो एक एनिमेशन ही मैंने बनाई थी। और ये एनिमेशन परफेक्टली आप इसको बनाने का जो राइट सॉफ्टवेयर है एनिमेट के नाम से, अगर आप हमारे ये टोटल प्रोग्राम को देखो, इस मॉड्यूल को आप अगर स्टडी करते हो या पूरे पैकेज की कोर्स आउटलाइन देखो, उसमें फोटोशॉप भी है, उसमें इलस्ट्रेटर भी है, उसमें एनिमेट भी है, और चौथा कॉरल ड्रॉ भी है। चार चीजें इसमें मेन है जो आपको यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए। हाँ, इसके बाद सीखने के बाद आगे भी बहुत सारी और सॉफ्टवेयर हैं, सीखनी चाहिए, स्किल सीखने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। जितनी स्किल सीखते जाओगे आप में एज ए ग्राफिक डिजाइनर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, और कुछ चीजें आपको कॉरल में पता चल जाएंगी, कुछ आपको इलस्ट्रेटर में समझ आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ आपको एनिमेट में समझ आ जाएंगी, कुछ आप इलस्ट्रेटर में सीख लोगे। एज ए होल पैकेज जब आप किसी जगह जाओगे और फर्दर अगर किसी नेक्स्ट कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हो, अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, अच्छा आपके पास कंटेंट स्किल्स वाइज आपके पास आ चुका होगा। और लाजमी होता है इसके अंदर आपको ये बताया कि आप स्मूथली अगर आप गौर करो, स्मूथली इन तमाम एप्लीकेशन को आपस में जबरदस्त तरीके से यूज करते हुए अपना एसेट बना सकते हो, अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप, इन डिजाइन, आफ्टर इफेक्ट, ये देख रहे हो नाम कोई नजर आ रही है, ये सारे असल में Adobe के आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप अगर आपने सीख लिया है आपको काम आएगा, कहाँ पे, इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर अगर सीख लिया है आपको काम आएगा, कहाँ पे, फोटोशॉप में। अगर आपने दोनों सीख लिए हैं कहाँ काम आएंगे, इन डिजाइन में। अगर आपने ये तीनों सीख लिए हैं तो आपको कहाँ काम आएंगे, आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन के लिए होते हैं, या आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज में इफेक्ट्स लगते हैं, तो इफेक्ट्स आप अपने जो आपके वीडियोस होते हैं उस पर आप आफ्टर इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी बेस स्ट्रांग करो, फोटोशॉप सीखो, इलस्ट्रेटर सीखो, कम अज कम एनिमेट के साथ कॉरल सीख लो। जब ये सीख लोगे आगे जहान और भी हैं, सीखने के लिए स्किल्स की कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी सीखो स्किल्स, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में किसी स्केल की जरूरत पड़ जाए। आप अपने प्रेजेंस जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन अकाउंट्स बनाओ, फाइबर का बनाओ, अपवर्क का बनाओ, और भी बेशुमार है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहो कि मुझे अपने आप को लाइव कहीं पे लेके जाना है, चैट जीपीटी यहीं पे बताओ। यू नीड टू नो अबाउट प्लेटफॉर्म्स where you want to launch something, where you want to present your projects, जिसमें आप दिखा सको, अपने आप को present कर सको। You need to know about platform, like hint भी दे दो उसको, like Fiverr. And what is a Fiverr?
आप वो फाइबर क्या है सर? ये फाइबर आपने वर्ड तो यूज किया, फाइबर तो पहले बताएं फाइबर क्या है। आप वो नहीं समझ कि फाइबर क्या है, वो देखो फाइबर के बारे में बता रहा है, चेक करो फाइबर ए किसने बताया अभी। फाइबर क्या है? आप इसको पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर फ्रीलांसर ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। अभी ये मेरे दोस्त बैठे हैं सलमान, ये कहते हैं सर मैं तो बड़ा जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर बन गया, मैं कार्ड वार्ड बना लेता हूँ, लोगो बड़ा जबरदस्त डिजाइन कर लेता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, तो मैं क्या करूँ घर पे बैठ के अगर मैं ये सर्विसेज देना चाहूँ क्या दे सकता हूँ, या मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी? मैं कहूँ यार सर्विसेज देनी है, अगर अच्छी बनाते हो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो उसको शो करो जरा। अब आओ सर कोई प्लेटफॉर्म है, यस ये फाइवर पे जाओ अपना अकाउंट बनाओ, बनाने के बाद जो कुछ बनाते हो उसको अपलोड करो, कोई ना कोई क्लाइंट जरूर मिलेगा जो आपके काम से इम्प्रेस होगा, और इम्प्रेस होगा तो उसमें गिग्स बनती हैं, ये होती हैं गिग्स, लिखा हुआ है नजर आ रहा है गिग्स, किसके लिए? क्लाइंट अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे आप उसको इम्प्रेस करोगे। कोई भी आपकी फील्ड हो, कोई भी काम हो, आप पेंटर ही क्यों नहीं है, आप पेंटर हो, आप मैकेनिक हो, आपके काम करने से इम्प्रेस होता है बंदा। मैं अब एक जब कभी मुझे रिपेयर रिक्वायर्ड होती है, सर्विस रिक्वायर्ड होती है मोटर बाइक की कार की, मैं एक ही मैकेनिक के पास जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? मुझे तसल्ली होती है, उसका काम पसंद है, वो मेरे काम करके दिखाता है, सेटिस्फेक्शन है, फीडबैक मेरा अच्छा उसको मिलता है, और वो भी मुझे बड़ा अच्छा क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, टाइमली रिस्पॉन्ड करता है। ये नहीं सर कल आइएगा, बिठाता है मुझे चाय पिलाता है, सर्विस देता है, इम्प्रेस करता है, फिर मेरा दिल करता है बार बार कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी बनवाना हो, कुछ भी सेट करवाना हो, उसके पास जाऊंगा। यही काम फाइबर का भी है। अगर आप अच्छा काम होगा, क्लाइंट्स को दिखाओगे, आप फिर कॉन्टैक्ट में लाने के लिए फाइबर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दरमियान में एजेंट है, समझ लो एजेंट है जो आपको उस क्लाइंट के साथ मीटअप करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप जब काम दिखाओगे, ये काम अगर किसी को पसंद आता है, कार्ड्स हैं ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है एनीथिंग, कोई कवर पेजेस आपने मूवी के जबरदस्त किस्म के पोस्टर डिजाइन करते हो सकता है पाकिस्तान से इंडिया से हॉलीवुड से आपको उस पेज को देख के यार इसमें तो बड़ा टैलेंट है, कलर की सेक्शन बड़ी जबरदस्त करता है, फॉन्ट बड़े जबरदस्त लगाता है, इमेजेस को बड़ी तरह मिक्स एंड मैच करके खूबसूरत किस्म के इल्यूजन देता है, जबरदस्त किस्म के, कोई इंप्रेस होता है तो क्यों नहीं आएगा आपके पास? अच्छी चीज देख के हर किसी को दिल करता है यार ठीक है यार जबरदस्त, मुझे बैग्स के ऊपर अपने लोगोस को प्रिंट करवाना है, ठीक है लोगोस को प्रिंट करवाना है, या मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, कंपनी के लिए मुझे कोई लोगो बनाना है, तो मुझे ऐसी साइट्स पे जाऊंगा, मैं देखूंगा कितना टैलेंट मौजूद है, मैं बजाय ये कि उसके लिए स्पेशली हायर करूं, उसको जॉब दूं, मैं फाइवर पे जाना पसंद करूंगा, जिसपे जाके मुझे अच्छे डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे, एक पूरी मार्केट बड़ी पड़ी है। फाइबर अकाउंट्स में मैं स्टडी करूंगा यार ये डिजाइनर अच्छा है, और दूसरा मैं ये भी देखूंगा ये रेट क्या दे रहा है, मुझे सस्ती लेबर कहाँ पे है, कम से कम प्राइस में बेहतरीन काम कौन दे रहा है, ये गिग्स होती हैं। गिग्स में क्या होता है, आप अपना बताते हो, फाइबर में जाके आप अपने काम को जब दिखाते हो, आप कहते हो इफ यू वॉन्ट टू एड इट और इफ यू वॉन्ट टू रिमूव योर बैकग्राउंड माई चार्जेस इज $5 और $5 फॉर 20 पिक्चर्स, गिग नंबर वन, $5 इफ यू वॉन्ट टू एड इट 20 पिक्चर्स, 20 पिक्चर्स या 100 पिक्चर्स के लिए मैं $10 चार्ज करूंगा, सिर्फ आपके जो मॉडल होगा वो रहेगा, बैकग्राउंड सारा मैं खत्म कर दूंगा या ब्लू लगा दूंगा या जो क्लाइंट की डिमांड है उसके मुताबिक, ये सारी ये सर्विसेज हैं। अगर आप ये सीखते हो, ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हो, तो आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो जिसका नाम है फाइवर। और फाइवर देखो क्या अलाउ करता है, ओवरव्यू बता रहा है, क्या देता है जी, सर्विस ऑफर्ड ग्राफिक डिजाइनर के लिए, राइटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए, प्रोग्रामर के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है, और ये फ्लेक्सिबिलिटीज और ये क्लाइंट इंटरफेस आपका, आपके क्लाइंट के साथ मीटअप और थ्रू दिस आप आपस में कनेक्ट हो जाते हो, और जो आपका उस क्लाइंट के साथ डील सेट होती है, हाँ टाइमली करनी है उसको डिलीवर, अगर आपने उसमें कहा है कि विद इन वीक आप इसको डिलीवर कर सकते हो, बनाओ काम करो डिलीवर कर दो, उधर से फीडबैक आएगा, अच्छे कमेंट्स आएंगे, फाइबर इंप्रेस होगा, फाइबर 60% उसका अमाउंट ओवर अपने पास रखता है, जो भी डील होती है 40% आपको दे देता है, आप भी खुश, वो
वो भी खुश, घर पे बैठ के काम हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए प्रेजेंस, इसके लिए अच्छी आपकी लुक, आपकी जॉब्स, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हो, बने होंगे, दिखाओगे तो मिलेगा काम। कोई ऐसे नहीं काम देता, कोई दिखाओ काम, दिखाओ अपना काम, दिखाओ प्रोजेक्ट्स को, यहाँ हाईलाइट करो। और फाइबर के अलावा अनदर वेरी वेरी फेमस, अभी मैंने नाम लिया, बड़ी फेमस है, आपको चैट जीपीटी ने यहां तक कहा कि ये भाई ये ले लो, हो सकता है उधर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, फाइवर पे ये इसके साथ में पैरेलल अपवर्क, अनदर मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा नंबर टू, क्लाइंट्स पोस्ट जॉब लिस्टिंग एंड फ्रीलांसर सबमिट प्रपोजल टू बिड ऑन द वर्क। बिड होता है कि वो रेट, एक बंदे ने, मिस्टर सलमान ने $10 का, मिस ने $7 कह दिया, दोनों का कंपैरिजन भी देखेगा, यार काम प्रोफेशनल टच किस में अच्छा है। वो हो सकता है $10 को वाले को पसंद करे, जरूरी थोड़ी है कि वो कम रेट की वजह से उधर चला जाएगा, नहीं, काम भी तो देखेगा ना कि उसमें कितना प्रोफेशनली, उसमें कितनी परफेक्शन है, कितना जबरदस्त काम है। अगर आप किसी और वेबसाइट पर जाना चाहो, फ्रीलांसर है, टॉपटेल है, गुरु है, 99 डिजाइन बड़ी फेमस, पीपल पर आर, नाम देखो पीपल पर आर, और ये यूके बेस्ड है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट पे अपनी प्रेजेंस शो करो, टास्क रैबिट के नाम से है, और भी हैं, यू नीड मोर मोर सर्विसिंग साइट्स फॉर फ्री लांसर। भाई सीधी सी बात है, आपको अपना प्राउड पुट करो और उसको छोड़ दो उसके हाल पे, वो आपको कुछ और भी देगा। सिंपली हायर्ड, फ्लैक्स जॉब्स, रिमोटली पार्ट टाइम, क्या लिखा हुआ है, रिमोट पार्ट टाइम फ्रीलांसर फ्लेक्सिबल जॉब्स आपको इसमें ये दिखा रहा है, और भी हैं, वी वर्क रिमोटली, ये बड़ी फेमस है। देखो बिहेंस, ये भी है, ट्रिपल के नाम से है, बड़ी फेमस। तो इसका मतलब है, आप अगर आपके पास टाइम हो तो इन वेबसाइट्स पे जाओ, इधर विजिट करो, कौन कौन बैठा हुआ है, क्या ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल हैं लोग, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनकी जो मैन पावर क्या है उसमें से, पहले तो उनको जरा देखो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका लेवल क्या है, उनका लेवल क्या है, क्या आप उसके क्लोज हो, क्या उनके रेट्स के साथ आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो, अपना गिग्स बनाओ, अपना रेट शो करो, अपना प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है। और ये सबके लिए आप को जो सॉफ्टवेयर सीखने हैं कम से कम, वो आपको हमारे कोर्स के मुताबिक, वो हम लोगों ने जो दिए हैं वो फोटोशॉप है, ठीक है, फिर इसी का एडोबी का एक और सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर के नाम से है जो आज स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके अलावा एनिमेट के नाम से हैं काफी सारे, इसके अलावा भी हैं, मैं कोर्स की बात कर रहा हूं, और एक हमने इंशाल्लाह कॉरल ड्रॉ, इसमें से कुछ आप में से कोई कर चुके होंगे, कुछ इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे, कभी ना कभी तो स्टार्ट लेना पड़ता है। और अगर आप टाइम हो, अफोर्ड कर सकते हो, स्किल्स सीखो, आप ही सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको काम नहीं आएगी, आप किसी जॉब के लिए जाते हो, साथ में अगर स्किल्स होंगी, आपकी रिज्यूमे में, आपकी सीवी में वेट बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, आप उन कैंडिडेट्स के निस्बत आपको वहां पे ज्यादा, आपको वहां से रिस्पांस मिल सकता है, अगर आपके पास आपके रिज्यूमे में स्किल्स आपने मेंशन की हो, और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी लिखी हो कि मैंने फला फला फला, बिजनेस कार्ड, ये सैंपल्स हैं, एक अच्छी आप अपनी एल्बम बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को आप दिखाने के लिए कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपने अगर उसके प्रिंट निकाल निकाल के रखे में एक अच्छी एल्बम बनाई हुई, वो भी दिखा सकते हो, अच्छा आपका जो है इम्प्रेस कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। और दूसरी बात है, आपके पास एक अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए, जो जो आप काम कर रहे हो उसको अपने पास आप अपने सीवी के अंदर, और मजीद उसको अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स चाह रहे हो, बाद कुछ हमारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं सर हमें रिस्पॉन्स ही कोई नहीं मिलता, भाई रिस्पॉन्स मिलेगा, आप अपनी सीवी अच्छी डिजाइन करो।
सीवी का कंटेंट अच्छा हो, टू द पॉइंट हो, जो होता है ना फालतू तो इधर उधर की नहीं छोड़नी, बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी, जो की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या की आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी फीचर्स हैं जो आप परफॉर्म करते हो रियल टाइम पे, और अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है किसी को, यहां पे आप दे दो रेज्यूमे फॉर ग्राफिक डिजाइन, आपको बहुत सारी कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। बाल स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती सर मैं लिखूं क्या, ये लो वो आपको खुद बना के दिखाना शुरू कर दिया उसने, और क्या करे आपके लिए, टेम्पलेट बनाना शुरू कर दिया। आप ये कर सकते हो भाई, स्किल्स स्किल्स देखो, जिसको आप अपना रिज्यूमे आप सामने रख रहे हो उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास एक जस्ट नजर उसने डालनी है। तो अगर आप जो आज तक आप परफॉर्म कर रहे हो डिफरेंट की जॉब्स के ऊपर आपकी जो स्पेशलिटीज हैं एक्सपर्टीज हैं वो मेंशन करो, अगर वो आपको उसका जो ऑनर है जो जॉब आपको देने जा रहा है अगर वो उसको समझता है कि यार ये मेरे लिए एक एसेट के तौर पे साबित होगा आने वाले दिनों में, तो वो आपका जो है एक रिज्यूमे की झलक में जो आपकी एक पेज के ऊपर होनी चाहिए, कोशिश करो एक पेज काफी होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, वो सिर्फ एक दफा ऐसे उठाता है देखता है और उसको फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपका नाम पता होना चाहिए, आपकी स्किल्स पता होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, अगर आपसे क्या कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे करना है, बस इतना ही काफी है। उसने कोई राम कहानी नहीं सुननी है आपसे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी डिटेल एक एक चीज उसकी पढ़ेगा, नो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज किस में है, आप क्या जानते हो, ये देखो ना कितना अच्छा सा सिंपल सा बना हुआ है, और इसमें सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशन सी है वो भी आपको दिख रही है, एडिशनल स्किल्स भी आपको दिख रही हैं, किस में आप जो है अपनी स्किल्स वाइज आप अच्छा डिलीवर कर सकते हो, डिजाइन स्किल्स क्या है क्या आप कर सकते हो, फिर सॉफ्टवेयर वाइज किस में आप परफेक्ट हो वो आप बता दो, एडिशनल अगर आपके पास कोई इसके अलावा कुछ है वो भी बता दो। आप कह दो सर मैं एक कंपनी का वेबसाइट भी बना सकूंगा, सिर्फ मैं डिजाइनर ही अच्छा नहीं हूं, मैं एक वेबसाइट भी उसको अगर आपकी जरूरत है तो मैं पूरी कर सकता हूँ। HTML CSS आपको आती है, फोटोग्राफी आपकी बड़ी जबरदस्त है, मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट पे भी आप काम कर लेते हो, एडिशनल आपके पास स्किल्स हैं अदर देन अबव मेंशन स्किल्स, इस तरह की चीजें अगर आपकी होंगी तो आपको बेनिफिट देंगी, क्या ख्याल है, प्रोफेशनल समरी दे दो। उससे पहले एज ए डिजाइनर जिसकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन करो, क्लियर मेंशन करो कि आप हो कौन, आप अकाउंट्स की जॉब के लिए आ रहे हो, आप डिजाइनर की जॉब के लिए आ रहे हो, और साथ में आपका कॉन्टेक्ट क्या है, पहली नजर में उसको पता चले यार मैंने लाहौर के लिए रखना है, लाहौर का है ये, क्या इसके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यस लाओ भाई इसके साथ कॉन्टेक्ट निकालो और उसको कॉल करो इंटरव्यू के लिए बुलाओ, ये प्रोफेशनल समरी है उसकी क्या कर सकता है, ठीक है स्किल सामने नजर आ रही है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसका डिफरेंट कंपनीज का मौजूद, किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर रहा था वहां पे जिसके ऊपर एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट क्या उसकी, कुछ जिंदगी में उसने किया भी है, अचीवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो अचीवमेंट अपनी मेंशन करो। मैंने अगर यूई के अंदर पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी अगर बनाई थी कंपाइल की थी 2007-8 में से लेके 8-10 साल, तो मैं अच्छे अचीवमेंट में लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, अभी मैं अपनी अचीवमेंट वहां पे दूंगा, कुछ अगर पेजेस आपने डिजाइन किए बिजनेस कार्ड आप बना लेते हो तो ये सारी चीजें अचीवमेंट है, आप बनाओ इसमें लिखो ये सारी अपनी अचीवमेंट, और लाजम होता है एक चीज और लिखनी होती है क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को टॉप पे मेंशन करते हैं, ये नहीं होता वो अब प्राइमरी यहां से की है मिडिल यहां से की है स्कूल मैंने यहां से पढ़ा है मेरे साइंस में पढ़ा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स है, ये बकवास है, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि बायोलॉजी पढ़ी है जी मैंने 100% नंबर लिए थे, उसके क्या उसको मतलब डिजाइनर का, ये तो एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से अपने शो ऑफ कर रहे हो, वो शेखी मारना, वो शेखी में आप मर जाओगे बेचारे, वो आपको फेंको यार क्या बकवास है, कम से कम एक नहीं तो दो पेज इतना के लिख दो, और अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट की हैं या आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से ली हुई है
वो मेंशन करो, पीस ऑफ पेपर बड़ा काम आता है, वो मेंशन करो, साथ में लगा भी दो। रेफरेंसेस अगर आपके हैं डिफरेंट कंपनीज के, जहां जहां काम करके आए उनके बॉसेस के नाम, ताकि कल को अगर आपकी रेपुटेशन के बारे में जानना चाहें तो पता तो कर लो कि पीछे काम करते आ रहा है किस किस को तंग करके आया, किस किस को खराब करके आया। इसको मैं अगर लूंगा तो इसका तो पिछला बॉस कहता है यार ये तो बेड़ागर कर देता है, ये तो ना पंचुअल है नहीं, टाइम पे आता नहीं, और ये लारे लगाता है, एक प्रोजेक्ट पे काम दे दो, एक दिन का कह के 10 दिन के बाद शक्ल दिखाता है। इस तरह के अगर वो आपको कमेंट दे रहा है कॉल करने पे या कम्युनिकेट करने पे, कम्युनिकेशन करने, तो ये अच्छी चीज नहीं होती। रेफरेंसेस वो दो स्ट्रांग हो, मतलब ऐसे हो जहां पे कुछ काम करके आया हो और वो अच्छे अल्फाज में आपको बता सके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपने आज के दिन में, आज हमारे पास अगर आप कोर्स के लिए आए हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो ये आपका स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन पे इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं, कुछ इंशाल्लाह सीखोगे, कुछ लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आज हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडोबी का एक, और अगर अगर आप में से कोई जानना चाह रहा है कि क्या कोर्स कंटेंट होता है, कोर्स कंटेंट क्या होता है, कोर्स कंटेंट अगर हमारा जानना चाह रहे हो तो वेबसाइट मौजूद है, अगर वैसे जानना चाह रहे हो कि क्या क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। आप यहाँ पे जस्ट वेबसाइट हमारी है आईसीटी ट्रेनिंग, यहाँ चले जाए, यहाँ पे डिटेल आपको पता चल जाएगी क्या होता है जी। यहाँ पे आपको जस्ट आईटी ट्रेनिंग्स हैं, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग है, इस पर क्लिक करोगे जो आपको कहा गया है वो ये कहा गया है डिटेल में कि क्या करवाएंगे, आउटलाइन क्या है हमारी, फोटोशॉप क्या डिटेल है, ये सारी डिटेल है कि इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जैसे मैं दे रहा हूँ इलस्ट्रेटर का, जैसे मैं अभी स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में, ये फोटोशॉप का है ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्या फर्क है, रेजोल्यूशन क्वालिटी क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड सेविंग कैसी होती है, टूल बार क्या होता है, कॉमनली पैलेट्स कौन कौन से यूज होते हैं, रूलर ग्रिड्स एंड गाइड्स क्या करती हैं, बैकग्राउंड लेयर वर्सेज ये सारी चीजें लिखी मेंशन थोड़ी सी हुई है, जब हम परफॉर्म करते हैं आपको पता बड़ी डिटेल होती है, तो वो ये सारी लिखनी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, मेन मेन बुलेटेड फॉर्म में लिख दी जाती है। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेटर, तो इलस्ट्रेटर क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं आपको ये, और प्लस आज आपको वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में मैंने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दी कि कब यूज करते हो, जहां पे स्केलिंग रिक्वायर्ड है, साइज बिग और स्मॉल, फिर क्या प्रेफरेंसेस होती हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, जब आप इस सॉफ्टवेयर में जाओगे क्या सेटिंग आपको रिक्वायर्ड होंगी वो सारी बताऊंगा, पैनल्स को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इंटरफेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर वर्क स्पेस किस तरह क्रिएट होती है, किस तरह सेव होती है, ये इंशाल्लाह कल के दिन हम ये चीजें मालूम कर चुके होंगे, यहां तक कल के दिन में हमारी ये सारी क्लैरिटी आ चुकी होगी। इसको यहां से चेक कर लेना, प्रैक्टिकली मैं आपको करवा दूंगा, फिर आप इसको जाके चेक कर लेना, इससे हम ज्यादा डिटेल में जाके बात कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली इसको कर रहे होंगे परफॉर्म ठीक है, फिर आप डॉक्यूमेंट के साथ किस तरह वर्क करोगे, मतलब आप फाइलें किस तरह बनती हैं, किस तरह सेव होती हैं, किस तरह क्लोज होती हैं, किस तरह प्रिंट होती हैं, किस तरह वेबसाइट के ऊपर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस तरह करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कैसे करते हो, आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कैसे करते हो, ओपन कैसे करते हो, क्लोज कैसे करते हो, अरेंज कैसे करते हो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या रोल है रूलर्स का, गाइड्स का, ग्रिड्स का, ये ऐसी चीजें हैं हर सॉफ्टवेयर में होती हैं, रूलर ग्रिड गाइड्स आपके लिए होती है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ताकि आप वो बनाने में इजी फील करो, रूलर आपको मेजरमेंट शो कर देता है, गाइड आपको गाइडलाइन बता देती है आप किस हिस्से में किस पार्ट को डिजाइन करना चाह रहे हो, ग्रिड्स आपकी अलाइनमेंट के लिए यूज होती है, आप ग्रिड्स को स्क्रीन के ऊपर दिखा के, जैसा ग्राफ पेपर नहीं होता इस तरह की ग्रिड्स होती हैं, उस पर आपको अपने ऑब्जेक्ट को बनाने में सिमेट्रिकल और शेप्स में लेके आने में आपको हेल्प करता है, ग्रिड्स वहां पे मौजूद होती हैं, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में भी मिलता है, फिर अगर आपका बैकग्राउंड यूके का है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हम पसंद करते हैं वो मेट्रिक होता है, मतलब ये कितनी विड्थ मिलीमीटर में सेंटीमीटर में है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, अगर आपका बैकग्राउंड यूएस का है या क्लाइंट आपका यूएस का है तो हम आमतौर पे बात करते हैं इंचेस में कि 8.5 बाय 11, 8.5 बाय 11 यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस को मैं रेकमेंड करते हैं, और अगर आप कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हो जो स्क्रीन के लिए है
मतलब डिजिटल मीडियम के लिए है, लाइक फेसबुक के ऊपर एड बना के लगानी है, लाइक वेबसाइट के ऊपर इमेजेस को प्लेस करना है, लाइक यूट्यूब के ऊपर थंबनेल बनाना है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम चले जाते हैं पिक्सल में। पिक्सल का मतलब छोटा सा छोटा पिक्चर एलिमेंट, PI पिक्चर, EL एलिमेंट, जो आपका स्क्रीन के ऊपर अगर ये डॉट लगा हुआ है, ये फिजिकली यहां पे लगा हुआ है, तो हर आपका जितनी आपके स्क्रीन ये विड्थ और हाइट है इसकी, ये पिक्सल बेस्ड है। और पिक्सल आपका सबसे स्मॉलर यूनिट होता है। आमतौर पे जब हम स्क्रीन के लिए कुछ बनाते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं, फेसबुक के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, आप वेबसाइट के लिए कुछ बनाते हो, ऑलवेज गो विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल। और जब कभी आप अपना आर्टवर्क बनाओगे, उसमें लेयर्स आएंगी और हर लेयर पे कंटेंट होगा, उसको लॉक करना हो, उसको हाइड करना हो, आप अपने आर्टवर्क को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, लॉकिंग कर सकते हो, हाइडिंग कर सकते हो। फिर आप अपने आर्टबोर्ड को नए नए जितने मर्जी, आप एक क्लाइंट है, 5 आपसे डिजाइन बनवाना चाह रहा है, ठीक है, या कोई कैटलॉग है रेस्टोरेंट का, वो आपसे 5 पेजेस बनाना चाह रहा है, जिसमें यहाँ पे लोगो लगा हो, टाइटल हो, डिशेज खूबसूरत सी आपके अच्छे क्लिक्स किए हुए हैं, अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस लगे हुए हैं, और क्योंकि प्रिंट निकालना है अच्छी रेजोल्यूशन के साथ हो, इसके ऊपर कंटेंट में नीचे आपने ड्रेसेस देने हैं जिसके मुताबिक इस रेस्टोरेंट के साथ आप अगर होम डिलीवरी सर्विसेज देना चाह रहे हो, या आप वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो, कॉन्टेक्ट होने चाहिए, उसको किस तरह आपने लाइनअप करना है स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड्स के ऊपर, ये सारी चीजें। और ये सारा करने के बाद लाइव होता है, जब कुछ बनाओगे सेलेक्ट भी करना होगा, ट्रांसफॉर्म भी करना होगा, सेलेक्ट भी करना होगा, ट्रांसफॉर्म मतलब विड्थ, हाइट, रोटेट, साइज, फ्लिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज नेम एज ट्रांसफॉर्म। सेलेक्ट करके मूव करना है, रोटेट करना है, सिलेक्शन भी आपको आने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको आने चाहिए, और फिर आगे इसके कुछ टूल्स भी आने चाहिए। ये सारे टूल्स स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा टेक्स्ट वर्जन है इसका, जब तक आप इसका प्रैक्टिकली मेरे साथ इन टूल्स को सीखोगे नहीं, ये टेक्स्ट जितना मर्जी पढ़ लो कोई फायदा नहीं इसका। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप अगर टेक्स्ट वर्जन इसका जानना चाहो कि हमने सीखना क्या है। बाद लोग स्टूडेंट्स कहते हैं, सर मैं कंटेंट दिखाएं, कंटेंट दिखाएं अपना, क्या सिखाएंगे आप? उसमें ये कंटेंट है, कोर्स आउटलाइन जिसे बोलते हैं। तो कोर्स आउटलाइन आपको सिर्फ ये बताती है, इन्फॉर्म करती है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, तो वो आपको कंटेंट जरूर उसको मांगा करो, सर पढ़ाएंगे क्या, मैं आ तो गया आपके पास, मुझे पढ़ना क्या है इसके अंदर, कंटेंट मैंने अगर अपने दोस्त से मशवरा करना हो, मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा, प्रिंट फॉर्म में कैसे मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेगी? सॉफ्ट कॉपी यहाँ से मिलेगी, ICTtraining.com से, यहाँ पे आप चले जाओ, सॉफ्ट कॉपी यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ से आप जाके अपनी तसल्ली कर सकते हो। ये कोई इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा उसने रखा हुआ है, हमारे डिजाइनर ने बड़ा लिमिटेड सा कंटेंट इसमें डाल दिया है। तो आप पाथ के साथ वर्क करना हो, आपने शेप्स के साथ वर्क करना हो, आपने पेन टूल के साथ वर्क करना हो, आपने टाइप टूल के साथ वर्क करना हो, आपने लेयर्स के साथ काम करना हो, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ग्रिड्स पर्सपेक्टिव आपने टूल्स को यूज करते हुए कुछ बनाना हो, लाजवाब है, जो बनता है वो सेफ भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। क्लाइंट को अगर आपने अपनी जॉब फिनिश हो गई है, किसी को एक्सपोर्ट करके देना है कि नहीं देना, उसको आपने प्रिंट करना है कि नहीं करना, उसको सेव करके फ्यूचर में इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, ईच एंड एवरी थिंग आपकी अवेलेबल है कोर्स कंटेंट में। और यहाँ से आपका वेब के लिए भी आपने डिजाइन करना है, सेव करना है, प्रिंट करने के लिए करना है, तो ये आपकी मर्जी होती है। और ये करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कहते हैं, इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट फॉर योर प्रिंट जॉब और एक्सपोर्ट फॉर योर वेब। तो ये सेव किया जाता है अपना कंटेंट बनाने के बाद, तो ये आपने इसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें, यहां तक आपका कंटेंट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, जिसमें इलस्ट्रेटर आपको बता दी जाएगी, फिर एनिमेट का एक लिमिटेड सा सिलेबस है, और फाइनली आपका कॉरल ड्रॉ। तो ये 4 मॉड्यूल्स आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आएंगे। तो आज हमारा इस वक्त हमारे पास जो टाइम है, तकरीबन 1 आवर हमारा रह गया, ठीक है, 1 आवर में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कम से कम कंटेंट आपको दिखा दिया, ChatGPT के साथ आपकी क्यूरीज जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे शायद नहीं पूछ सके, ChatGPT आपको बता देगा, वो वेबसाइट भी बता दी,
जो आपको सेटिस्फाइड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको दे देगा, ताकि आप जरा तसली बख्श आंसर। और ये एक बिग डेटाबेस है चैट जीपीटी, असल में क्या बैकएंड के ऊपर इसके पास बेशुमार जो क्यूरीज होती हैं उनका एक डेटाबेस बन जाता है। जब कभी आप प्रॉम्प्ट करते हो, मैसेज देते हो, उसके मुताबिक डेटाबेस के साथ जो क्लोजेस्ट क्यूरी का आंसर है वो सर्च करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना शुरू कर देता है, और इससे आपको काफी हद तक आपके मतलूबा रिजल्ट्स आपको तसली बख्श अंदाज में बता देता है। तो आज हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर, इसमें से जो पूरे पैकेज में एक सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे होगी। ये मेरे पास यूएसबी पड़ी हुई है, इसमें इलस्ट्रेटर का एक फोल्डर है जिसमें सेटअप पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया है, जो करना चाहें ये ले लें और अपने पास ये सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट कर लें। एक तो ये तरीका हो सकता है इंस्टॉलेशन के लिए। मैं आपको सिंपल सा दो तीन डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आपको जो आसान लगता है हाउ टू। सबसे पहले लाजमत है, जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, हाउ टू इंस्टॉल एडोबी इलस्ट्रेटर। प्रैक्टिस करनी है ना, सीखना है ना, इस टूल को आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर वन, इसका हमेशा मैं आपको कहता हूं गेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर ट्रेनर, जो आपको अगर अवेलेबल कर सकता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूं, ये मुझसे आप ले लो। यूएसबी पे पड़ा हुआ है और यहां पे एडोबी इलस्ट्रेटर का एक फोल्डर बना हुआ है, जस्ट यू नीड टू कॉपी पेस्ट। इसको कॉपी पेस्ट कर दो, फोल्डर को एडोबी इलस्ट्रेटर के नाम से फोल्डर है, इसको कॉपी पेस्ट करो। जस्ट यू नीड टू राइट नाउ स्टेप नंबर वन, ये करना है कॉपी पेस्ट। एक तो ये सॉफ्टवेयर आप तक पहुंच गया, इंस्टॉलेशन के लिए पहला स्टेप कंप्लीट। अच्छा, अगर आपके मेरे पास एक तो ये वे हो सकता था, ये पहला। दूसरा क्या हो सकता है, गेट फ्रॉम, डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट के नाम adobe.com। ये उन लोगों के लिए है जो यहां मौजूद ही नहीं है और वो लाइसेंस में इंटरेस्टेड है, परचेज करना चाह रहे हैं। कितने चार्जेस हैं, कहां पे पड़ा हुआ है, मंथली चार्जेस कितने हैं, लाइफ टाइम अगर है तो कितने हैं, या आपको पैकेज की फॉर्म में कोई डील्स अगर दे रहा है तो वो कौन कौन सी है। adobe.com, ले लीजिए। ये उन लोगों के लिए है, ऐसी कंपनीज के लिए जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को पसंद नहीं करते, एथिकली उसको बैड समझते हैं, गलत है, इखलाकन तो गलत ही है ना। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, और ये अब्रॉड में तो वैसे ये क्राइम है, या नहीं है, अब्रॉड में तो है, ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केट जाके इसकी सीडी डीवीडी ला के, जिसपे लाइसेंस की इसकी लिखी होती है, वो आप उसको इस्तेमाल करो, उसका पे करो। कमर्शियली प्रोडक्ट है, इसके एडोबी वालों ने ये फ्री इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी थी। इसका बेसिकली मकसद क्या था, बिजनेस। ये सॉफ्टवेयर अगर आपको दिए हैं, आपको सर्विस दे रहा है, इसके प्रोग्रामर ने बड़ी मेहनत से ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अगेंस्ट आपसे कुछ फ्यू डॉलर्स चार्ज कर रहा है मंथली बेस पे। कितना कर रहा है, फोटोशॉप का ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, दो हफ्तों के लिए होता है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, या आप इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं आपको इस वेबसाइट पे एक चीज दिखाऊं, ये है जी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में फोटोशॉप अगर चाहिए ये ले लो, या जानना उसके बारे में, हमें आज क्या स्टार्ट करना है, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के बारे में अगर जानना हो, समझना हो, देखते हैं ये क्या कहता है। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होता है, वेयर स्केल मैटर करता है लॉट, जहां पे आप बड़ा छोटा करने में आपको प्रॉब्लम ना हो और वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ जाओ, इलस्ट्रेटर इज द राइट चॉइस। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, या वो बता रहा प्रीमियम प्रो एक और सॉफ्टवेयर जो अच्छा वीडियो एडिटिंग एज ए सॉफ्टवेयर आप इस पर ग्रिप कर लेते हो, स्किल सीखना चाह रहे हो, ये है जी सॉफ्टवेयर प्रीमियम प्रो के नाम से। ये एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर,
लाइट रूम हो गया, एक्सप्रेस हो गया। हम लोग अभी इंटरेस्टेड किस में है? फोटोशॉप में नहीं, अभी फिलहाल इलस्ट्रेटर में। ये लो, जब आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारी इसकी इंटरेस्टिंग फीचर्स नजर आएंगी, आपको अट्रैक्शंस नजर आएंगी कि क्या कर सकते हो, क्या एक्शन हो सकता है, बाय करना है, कितने में पड़ेगा। इस वक्त ये आपको बड़ा अच्छा लिमिटेड टाइम ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए। देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, डील्स लिमिटेड टाइम के लिए। कितना ऑफ दे रहे हैं? 65% तक ऑफ दे रहे हैं, जिसका चार्जेस वैसे तो $60 बनते हैं मंथ के, आपसे सिर्फ $20 ले रहे हैं मंथ के। भाई जब आप एब्रॉड की डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ बात करोगे, कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आज नहीं साल बाद, 5 साल बाद, तो लाजमी डॉलर्स में पेमेंट होगी ना, तो $20 को इतनी बुरी बात नहीं है। अगर आप दो भी प्रोजेक्ट कर लेते हो, आप हर मंथ को 20-25 प्रोजेक्ट अगर करते हो, दो प्रोजेक्ट अगर आपने वेरी वेरी सिंपल अमाउंट अगर आपको $20 पे करना पड़ जाए, हाँ उसके अगेंस्ट आप हो गए, सर हमें क्या बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या हमें कोई स्टोरेज देगा, क्या हमें अच्छी कलेक्शन फोटोज की देगा फ्री? बिल्कुल देता है। इसका ये पे करने के बाद आपको कुछ अट्रैक्शन भी मिलती है, स्टोरेज मिल जाता है, आप अपना डाटा क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हो, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे हर चीज थोड़ी रखोगे लैपटॉप पे, कल को लैपटॉप कहीं इधर उधर चला गया, फिर डेटा आपका क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। हाँ क्लाउड के ऊपर जो सर्विसेज देते हैं वो आपका कुछ डॉलर्स की फॉर्म में आपसे मंथली चार्ज भी करते हैं। अगर ये आपको $20 में उस वो भी इंक्लूड कर दे, ऐसी सर्विसेज जहां पे क्लाउड के ऊपर आप अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट डिजाइन को, अच्छी कलेक्शंस को, ताकि कल को किसी दूसरी कंट्री चले जाते हो, यूएई चले गए, सऊदी चले गए, टोरंटो चले गए, डेटा आपको वहां पे भी अवेलेबल होगा, आपकी डिपेंडेंसी लैपटॉप पे खत्म, आपका डाटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है, जब चाहो डाउनलोड कर लो, वहां पे अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, अपलोड कर लो। और अगर आपको इसके बारे में मजीद जानना है कि क्या मिलेगा मुझे $20 पे करके, सी टर्म्स हैं, यहां से चले जाओ, बाय करना है यहां से कर लो, क्रॉस करना है यहां से कर दो। बाय करने के लिए तो ये तरीका है, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो गोगे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन है, फैसिलिटी है जो यहां ना मौजूद नहीं है, कनाडा में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, वहां पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं होते, हम यहां पे तो कर लेंगे, मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, ये यूएसबी पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे, इसको जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद क्या करना है बताता हूं। ये लो, ये आपको इस तरह के डिजाइन मॉकअप्स बनाने हो, ये देख रहे हो एक डिजाइन, एक पैटर्न है जो आपके करंट फ्रेम में बैकग्राउंड में भी लगा हुआ है, आपके ये डिजाइन आपके बैक पे भी लगा हुआ है, आपका ये डिजाइन एक बॉटल के ऊपर भी प्लेस किया गया है, ये अच्छे मॉकअप्स बनाने के लिए, इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए बेस्ट आपके पास सॉफ्टवेयर है, नेम इज एडोबी इलस्ट्रेटर। क्रिएट एट द स्पीड ऑफ नाउ बाय नाउ, और इसमें आपके पास एक पावरफुल टूल है इलस्ट्रेटर, यू कैन क्रिएट डिजाइन दैट मैच योर स्टाइल्स, एक्सप्लोर डजन ऑफ ऑप्शन एंड फिनिश डिजाइन फास्टर, बड़े जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। और आप इसमें क्या क्या बना सकते हो स्टूडेंट्स, दिखा रहे हैं आपको, यू कैन कस्टम लोगोस, आइकन्स एंड मोर, 3D इफेक्ट्स के साथ, ग्रेडियंट के साथ, टाइपिंग के साथ, अच्छे डिजाइन के साथ, अच्छी फील के साथ, लुकिंग अमेजिंग एनी वेयर फ्रॉम वेबसाइट टू स्वीट शर्ट्स, सोशल एंड स्वैग्स, या देख रहे हो साइट के ऊपर, चाहे वो वेबसाइट है, कलर्स का कंट्रास्ट है, उसका यूज है, उसका शेप्स के अंदर इस्तेमाल है, डिफरेंट डिजाइन में इसका यूज है, ये सारी क्रिएटिविटी यूजिंग दिस टूल नेम इज अ इलस्ट्रेटर। ये डिजाइन आप अच्छे ग्रेडियंट्स लगा सकते हो, ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन किया थ्योरी में, यहाँ पे डिजाइन में उसका प्रेजेंस नजर आ रही है। थोड़ा सा और नीचे करो, ये देखो आप जबरदस्त किस्म के क्रिस्प डिजाइन बना सकते हो, बोल्ड आर्ट के साथ, यार वर्क एट एनी साइज, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आपको क्या मैंने नहीं बताया कि आप अपनी लाइंस टूल को यूज करके, शेप्स को यूज करके, कलर्स को यूज करके एक इनक्रेडिबल काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन बना सकते हो, और ये स्केल होता है इंफिनिटली, सो यू कैन टेक देम फ्रॉम स्क्रीन टू बिलबोर्ड एंड बियॉन्ड।
जैसे ये स्क्रीन के ऊपर है, ये आपका टैबलेट्स के ऊपर है, बिलबोर्ड्स के ऊपर है, लैपटॉप्स के ऊपर है, और ये डिज़ाइन जो आप इसमें टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो बड़ा इफेक्टिवली डिजाइन में, और एक अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए अपनी क्लाइंट्स को मैसेज एक अच्छा सा कंपोज किया जा सकता है, एड बनाया जा सकता है मैसेज सिंपली, जो विजुअली बड़ा जबरदस्त होगा, परफेक्ट फॉन्ट्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, फ्लायर्स बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, इंफोग्राफिक्स पेज बना सकते हो, जैसे ये बने हुए क्या आपको दिख रहे हैं, डिजाइन को आप क्रिएट कर लीजिएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी कुछ फीचर्स हैं, फिल विद डिटेल कलर्स वगैरह, एंडलेस पैटर्न्स ऑप्शंस मौजूद हैं, आप ये पेन टूल के साथ एक इनक्रेडिबल काइंड ऑफ डिजाइन अपने सारे बना सकते हो। ये सारी चीजें जिस तरह टेक्स्ट के साथ प्रेजेंस नजर आ रही है, डिफरेंट इमेजेस की डिजाइन, आर्ट वर्क, 3D वर्क, ये सारे। और अगर आप इस फीचर्स के साथ अभी तक आपका इतफाक नहीं है, आप मजीद जानना चाह रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लोर कर देना। बताने का मतलब ये है कि आपके पास अदर देन मी ये वो वेबसाइट है जहां पे आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, तसल्ली करके डाउनलोड करके पे करके स्टार्ट कर सकते हो अपना काम। क्या नया है फीचर्स ये सारी, इसको थोड़ा टाइम निकाल के ना इस वेबसाइट को जरा देख लीजिएगा। और ये आपके पास यूजर गाइड भी है, अगर आपको चाहिए हो क्लिक करो, वेबसाइट की डिटेल्स मजीद कनेक्ट कर देगा। मतलब ये है कि आपको सिखाने के लिए यहां तक के आप देख रहे हो वो सारे लिंक्स पड़े हैं, बाल करना बुक्स नहीं अवेलेबल होती आप लोगों के पास, और आप इंटरेस्टेड हो सर कोई यूजर गाइड तो दें, मुझे इसकी थ्योरी थोड़ी सी स्टडी करनी है, इसकी डिटेल थोड़ी सी मुझे जाननी है, कुछ ट्यूटोरियल्स इसके दिखाने हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स इसके देखने हैं। ये देखो सारा कुछ, गेट टू नो क्यों जरूरत होता है जनाब, helps you understand illustrator features and learn beautiful vector art and illustration on desktop web or join the conservation or you learn more pe click karte jao seekhte jao endless aapka content hai yahan se agar aapki tasalli hoti hai aap iski cloud documents bhi padhe hain yahan pe aap jaake basics bhi seekh sakte ho ye basic illustration ke andar aap document ke cloud ke upar kis tarah work karoge डॉक्यूमेंट्स को अपनी टीम के साथ कैसे शेयर करोगे, ईच एंड एवरीथिंग। इतनी डिटेल है बच्चों कि आप यहां से अगर एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, सेव कैसे होता है, ऐड कंटेंट कैसे होता है, क्लिक करते जाओ, ड्राइंग ड्राइंग बेसिक्स क्या क्या हैं, ये देखो चेक करो, आगे ही आगे अबाउट वेक्टर ग्राफिक्स, अगर आप मजीद वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में जानना चाहो, एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ, पाथ्स के बारे में जानना चाहो, कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये देख रहे हो, ये डिटेल्स हैं, गो के हम ये खुद परफॉर्म करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे कैसे क्या होता है, सर्कल से लेके बाकी सारी चीजें, ये देख रहे हो किस तरह डिजाइन के अंदर इस दो लाइन्स को कैचअप किया गया, एड किया गया, आसान सी ट्रिक है, इतनी आसान सी है कि आप कहोगे सर ये तो था ही कुछ नहीं, इसमें एक्चुअली ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ इनसाइड भी होता है, दिस इज अ नॉर्मल वे, दिस इज बिहाइंड, लाइंस आर बिहाइंड योर सर्कल, दिस इज लाइन इनसाइड योर सर्कल। अब आपको मैं आज ये चीज करके दिखा दूं, आप कहोगे सर इधर इसने भी सिखाया, आपने भी बताया, अब हमें समझ आ गई, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना ये तीन ऑप्शन, अभी मैं इलस्ट्रेटर में जाके आपको इन तीन ऑप्शन के बारे में आज ही बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला काम आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है। तो दूसरा स्टेप तो ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन मौजूद हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू नीड गूगल ड्राइव, डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव, ये जी गूगल ड्राइव, और यहां से डाउनलोड कर दो। तो हम आज पहला स्टेप करने लगे हैं, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तीन तरीके हैं, मुझसे ले लो कॉपी पेस्ट, Adobe.com नहीं करना, ठीक है। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे पास दो ही इश्यूज हैं इस वक्त आपको सॉफ्टवेयर दो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में देने का, एक मेरे से अभी ले लो, दूसरा डाउनलोड कर लो। लाइव होता है जो ऑनलाइन स्टूडेंट मौजूद हैं, ये जैसे ये बैठे हुए मिस सायरा हैं, मिस जैनब हैं, मिस मुबर्रा हैं, इनको सॉफ्टवेयर मैं कैसे दूंगा,
इनको सॉफ्टवेयर देने का एक ही तरीका है, गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का होना लाजमी है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, यहां पे गूगल ड्राइव का लिंक आपको अवेलेबल है, नहीं है दोबारा से देख लो। ये गूगल ड्राइव का लिंक मैं दोबारा दे देता हूं। दो चीजें इधर आपकी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो गूगल ड्राइव का लिंक आपको होना चाहिए, दूसरा ये देख रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप पे माशाल्लाह लोग काम भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, साथ में मेरी वीडियोस भी अपलोड मैं कर देता हूं। आप अगर कभी लेक्चर मिस हो जाए इसको फॉलो कर सकते हो, लेक्चर मिस हो जाए इनको फॉलो कर सकते हो। और ये गूगल ड्राइव का लिंक आ गया। ले जी, ये दोनों ग्रुप्स को मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स, ये लो आपने यहां क्लिक करना है। ये हर दफा मैं करवाता हूं, जब कभी हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो सॉफ्टवेयर तो मैंने देना होता है ना, सॉफ्टवेयर मैंने कुछ को ऐसे दे दिया यूएसबी के थ्रू, कुछ को मैं यहां से दूंगा। ले जी, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने का तरीका। और आपका आज जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है वो एनिमेट सॉरी इलस्ट्रेटर का हो रहा है। इलस्ट्रेटर को ये आप यहां पे देख रहे हो, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये लो डबल क्लिक कर देना। ये उन लोगों के लिए है जो घर पे अपने डिवाइसेस पे सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं, ये लें जी। बस इतनी सी बात है, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है। ये देखो डाउनलोड पे लगा दिया, डाउनलोड के फोल्डर में जाकर देख लो ये आ रहा है। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद होगा क्या? होगा ये स्टूडेंट्स आफ्टर डाउनलोडिंग और आफ्टर वेटिंग 5 to 10 मिनट्स ये आपको एक फाइल मिलेगी। फाइल कुछ इस तरह मिलेगी, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, कहाँ रखी है? मैंने अपनी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे रखी है। डी ड्राइव पे मैंने एक फोल्डर सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ है और ये इलस्ट्रेटर का वो जो डाउनलोड होने के बाद सीन होगा वो बताने लगा हूं। स्टूडेंट्स डाउनलोड होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ये डॉबी प्रीमियम प्रो पड़ा हुआ है, ये इलस्ट्रेटर है, दिस इज इलस्ट्रेटर, ये आपको मिलेगा अभी थोड़ी देर में डाउनलोड होने के बाद। इस तरह की बुक मिलेगी, ये जिप फाइल होती है, कंप्रेस वर्जन होता है, इसको आपने राइट क्लिक करना है। ये है ये स्टेप, आफ्टर डाउनलोडिंग यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, इस नाम का फोल्डर बनने वाला है। इधर ना क्लिक करना, इधर क्लिक नहीं करना, किसी और पे क्लिक नहीं करना, ऑप्शन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट टू दिस नेम फोल्डर, ये लो। ये मैंने 2021 है ना, ठीक है। अच्छा जब कभी आप डाउनलोड पे, 2023 है, अच्छा एक सेकेंड, 2023 असल में आपके पास अवेलेबल नहीं होता, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा, बल्कि वो करूंगा जो हर किसी को अवेलेबल हो जाए। कोई इतना फर्क नहीं है, 23 भी आप कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेटेस्ट है ना। ये लो राइट क्लिक किया, 2021 मैंने आपको, मैंने 2021 अवेलेबल किया, तो आपने ये इस तरह आएगा, इसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना जो भी अवेलेबल है, 21 है 21 कर लेना, 23 है 23 कर लेना। पासवर्ड मांगेगा आपसे 123, पासवर्ड आपने टाइप करना है 123, ये दिखा भी दू आपको, ये देखो 123 टाइप किया, ओके। बस इतनी सी बात है, डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद आपने इतना काम करना है। तो इसका मतलब आफ्टर डाउनलोडिंग स्टेप नंबर 2, यू नीड टू स्टेप नंबर 2 नीड टू एक्सट्रैक्ट, देन स्टेप नंबर 3 रन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर फाइल नेम इज सेटअप डॉट एक्सई, बस इतनी सी बात है। इसके बाद 2 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इससे इजी है नहीं कोई। हाँ नीड टू एक्सट्रैक्ट में याद रखना पासवर्ड अगर मांगता है, पासवर्ड 123 है, ठीक है जी। इतना अगर हो गया है चेक कर लो, ये डाउनलोड पे लगा हुआ है, ये तो टाइम लगेगा, लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आपने जब ये कंप्लीट हो जाए राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ऐसे बस।
तो ये वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखा दिया। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर के फोल्डर में जाके देख लो, एक फोल्डर उसी नाम से बना होगा, इलस्ट्रेटर के नाम से। ये टॉप पे नजर आ रहा है, ये इसको ओपन करना है, इसी नाम से फोल्डर होगा, ओपन कर लीजिएगा, सेटअप ये है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट क्लिक करके, ये लो, परमिशन मांग रहा है डिवाइस पे इंस्टॉल करने की, यस देनी देनी है आपने। और ये इसका विजर्ड प्ले हो गया, इसमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज कर देना, नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका नहीं करना, बल्कि आपने इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना, आपको लिखा होगा इंटरनेशनल इंग्लिश, बस सब लोग कर लो, जिसके पास ये सॉफ्टवेयर आ चुका है कर लो, इंग्लिश इंटरनेशनल, डिफॉल्ट लोकेशन इज ओके, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इंग्लिश इंटरनेशनल, बस एक स्टेप करना है कंटिन्यू। आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी वो देखो, ऊपर 5%, 10%, 20%, 100%, आज के दिन आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर, अब आपको मैं, हमारे पास है टाइम, अब मैं आपको इसके एनवायरनमेंट में लेके जाने लगा, मदर सॉफ्टवेयर की ऐप को ओपन करने लगा हूं, लॉन्च करने लगा हूं, रन करने लगा हूं। तो ये करने के लिए हम अगला काम ये करते हैं, जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए कंप्लीट, आफ्टर इंस्टॉलेशन यू नीड टू रन क्या सॉफ्टवेयर, आफ्टर इंस्टॉलेशन यू नीड टू रन, या जिसे क्या बोलते हैं लॉन्च करना। लॉन्च करने के तरीके तीन होते हैं, टाइप इन सर्च बार, सर्च बार में टाइप कर दो, नंबर टू स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू से रन कर दो, स्टार्ट मेन्यू से, थर्ड पिन कर दो, बस इतनी सी बात है, आपको जो इजी वे लगे ना रन करने के लिए इसको इस्तेमाल करो, और भी हो सकती हैं लेकिन कॉमनली हम ये तीन ही यूज करते हैं। ये देखो, देखते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, ऑलमोस्ट 100% क्लोज हो गया जी, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब आपने इसको चलाना है, तीन तरीके बता दूं आपको, पहला तरीका होता है स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में अल्फाबेटिकली देखो लिस्ट में ये नजर आएगा Adobe Illustrator ऑरेंज कलर आइकन। दूसरा तरीका, अगर आपको यहां से नहीं क्लिक करना, दूसरा तरीका होता है सर्च कर दो Illustrator, जैसे ILLU दिया मैंने वो ऐप टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप पिन कर लो, पिन कहां होता है स्टूडेंट्स, हां जी पिन कर लो, पिन यहां पे होगा, ये दिख रहा है आपको, जैसे फोटोशॉप है, चले फोटोशॉप को तो निकाल देता हूं मैं, अभी नहीं चाहिए, अनपिन कर देता हूं। यहां पे देखो इलस्ट्रेटर आने वाला है, यहां कैसे, ये उसके लिए होता है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, टाइप में भी वेस्ट हो रहा है, स्टार्ट मेन्यू में जाने से वेस्ट हो रहा है। इससे बचने का आसान सी ट्रिक ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाके इसको, इस काम को तो इजी करो ना, राइट क्लिक करो, मोर में जाओ, पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, सब लोग ये कर रहे हैं, और ये इलस्ट्रेटर आ गया। अब आपके लिए आज की डेट के बाद इलस्ट्रेटर को चलाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जस्ट इस पे छोटा सा आइकन जो नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, AI Adobe Illustrator का, ये लो, जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ये जी ऐप आपकी ओपन होने जा रही है, और ये इसका अभी स्क्रीन के ऊपर वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, आपको अपने आर्टबोर्ड का साइज बताना पड़ेगा, कार्ड बनाना है साइज अलग, फेसबुक का ऐड बनाना है साइज अलग, बुक का कवर पेज बनाना है साइज अलग, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है साइज अलग। साइज का मतलब क्या होता है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी,
और ये देखो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने इसको ओपन किया, आपको यहां से बता रहा है कि अगर आपने क्लाउड के ऊपर मुझसे परचेज किया होता तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड पे स्टोर भी कर सकते हो। तो देखो क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, और ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं पढ़ के बता देता हूं। कोलैबोरेट सीमलेसली विद ऑफर एंड वर्क एनीवेयर यू साइन इनटू इलस्ट्रेटर इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। चेंजेस या चार्जेस आर ऑटो सेव्ड, ऑटो सेव्ड एंड मुझे भी नहीं पढ़ना, व्यूएबल इन फाइल हिस्ट्री। ये आपको असल में पता क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो। भाई ये असल में डॉक्यूमेंट काफी हैवी होते हैं, स्पेस लेते हैं, आप अगर हर चीज अपने लैपटॉप पे स्टोर करना शुरू कर दोगे जगह खत्म हो जाएगी। ये देख रहे हो जगह खत्म हो रही है, ये देखो कितनी रह गई है, 44 GB। इधर कितनी रह गई है, 150, आधी ऑलमोस्ट फिनिश। और मैं अगर इसी तरह काम करता रहूंगा और 2-4 महीनों में खत्म, 2-4 महीनों में ये स्पेस खत्म हो जानी है, तो आप अपने डेटा को कहां स्टोर करना पसंद करोगे? या तो एक्सटर्नल हार्ड लगाओ, सर एक्सटर्नल हार्ड लगा लो, वहां पे रखना शुरू कर दो डेटा को। दूसरा तरीका क्लाउड, क्लाउड के ऊपर तो अनलिमिटेड स्पेस है, मसला ही कोई नहीं। कल को हार्ड आपकी चोरी हो जाती है, लैपटॉप आपका गिर गिरा के टूट टाट जाता है, कहां मिलेगा डेटा? आप पिछले 5 साल का डेटा रखा हुआ है, 5 साल से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप कोई क्लाइंट है, कोई 100-200 क्लाइंट बनाए हुए इतनी मेहनत करके, और उनका डेटा बढ़ा हुआ है, उनके बिजनेस कार्ड पड़े हुए, उनके फ्लायर्स ब्रोशर कवर पेजेस मार्केट पूरी आपने कवर की हुई है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, स्कूल्स के साथ आप कनेक्टेड हो, कहाँ है डेटा आपका? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया डैमेज तो बेहतर तरीका क्या होता है, आप अपना बैकअप प्लान रखो रेडी, डेटा को कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करो जहां पे आपकी टेंशन कम हो, आपको सिर्फ उसका पे करना है मंथ का। वो यहां तक के गूगल ड्राइव भी हो सकती है, आपको पता है ना हर किसी को अवेलेबल है गूगल ड्राइव, ये हर किसी के पास होती है। मेरे पास अगर गूगल का अकाउंट है, ये देख रहे हो गूगल का अकाउंट है, या जीमेल अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो गूगल ड्राइव है, यहां चले जाओ, इसमें कौन सा मसला है? ये देखो ये 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, यहां गूगल ड्राइव पे आप अपना स्टोर करना शुरू कर दो ये ड्राइव। ये आपकी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन स्टोरेज आपको दे रहा है, स्टोरेज आपको दे रहा है, कितना स्टोरेज दे रहा है, 15 GB। वो देखो आधे मैंने इस्तेमाल कर लिया है, अभी भी जगह है, तकरीबन हाफ मैंने यूज कर लिया है। और अगर आप कहते हो सर ये तो 8 GB का तो पता भी नहीं लगना, यू कैन गेट मोर, ये डील्स हैं, ये ले लो माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, अमेजोन से ले लो, 15 GB तो सबको मिलता है, आप इस प्लान में चले जाओ विद 0 अमाउंट, कुछ भी नहीं देना। ओ माशाल्लाह, पहले महीने फ्री, पूरे के पूरे 209 रुपये फ्री, और कितना GB मिल रहा है, लालच दे रहा है ना, हैं? आ जाओ अभी, आओ तो सही, अगले महीने देखेंगे, हैं? अगले महीने तो फिर बात करेंगे आपसे, लेकिन कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 209 रुपये, एक बर्गर भी नहीं आता शवारमा, हैं? कुछ भी नहीं अमाउंट, 209 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो 209 रुपये अगर आपसे ले भी रहा है तो आपको टेंशन फ्री कर रहा है, किस चीज से? आपने डिजाइन बनाए, आपने फोटोज बनाई, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हर चीज लैपटॉप पे रखना गलमंदी थोड़ी है, थोड़ा सा अफोर्ड अगर कर सकता है बंदा, भाई जब आप 1000 रुपए तो कमा ही रहे होगे ना, लाखों मैं कहता हूँ नहीं कमा रहे, 1000 तो कमा रहे होगे महीने का, तो उसमें 209 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं कि है, तो फिर पे कर देना इसको जब जरूरत होगी, अभी नहीं जब जरूरत होगी। अब मैं अकाउंट पहले बनाऊंगा, हैं? काम मैंने बाद में स्टार्ट करना है, मैं क्यों रिस्क लूं? क्या पता मैं कल को बहुत बड़ा डिजाइनर बनने वाला हूं, तो आज ही क्यों ना मैं स्टार्ट दे दूं? सोच मैंने सर बड़ी रखी हुई है, अच्छी चीज है, बड़ी सोच कोई बुरी बात थोड़ी होती है।
आपने 10 साल के बाद काम स्टार्ट करना है, आज स्टोरेज ले लो, क्या फायदा 10 साल में? 209 के जरा 2-10 साल के साथ ठीक ठाक अमाउंट बनती है, लेकिन लोग कुछ होते हैं दीवाने, कर लेते हैं। तो आप भी ये ले सकते हो, ये ट्रायल वर्जन आपके पास अवेलेबल है। आप 100 GB, कुछ दिनों पहले ये थोड़ी सी अमाउंट ले रहा था, अब उन्होंने 0 ही कर दिया, आपको पहले मंथ की ऑफर है फ्री, उसके बाद 209 रुपये दो और स्टोरेज। अगर आप वो मजे की बात हो, और 200 GB भी दे रहा है 0 अमाउंट पे ट्रायल वर्जन, लेकिन आफ्टर 1 मंथ। अच्छा, ये नया इसने दिया है अट्रैक्शन, पहले नहीं थी, पहले थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा था, अब उसने तीनों अकाउंट से ना 0 पे कर दिए। हाँ, एक दफा आओ तो सही, वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अब ये देखो 2 TB, समझ दो 2 TB 2048, 1024, 1024, 2048, 2048 GB, मतलब मुक्ति नहीं जगह, इतनी जगह। अभी मैंने अपनी लैपटॉप पे दिखाई, 512 की लगी हुई हार्ड SSD, 512, बस सुकून है, मुझे इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन कल को जब आप बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अच्छी कलेक्शन बनेगी, अच्छे आपके पास कस्टमर होंगे, तो लाजमता आपका डाटा कहीं ना कहीं महफूज होना चाहिए। उस वक्त जब आपको पैसे आने शुरू हो जाए तो 1000 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? 1000 रुपये में कितना स्टोरेज दे रहा है? 2 TB, 2048 GB, बहुत है। या परचेज कर सकते हो उस वक्त। अच्छा, अभी आप क्लाउड के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, मैंने अभी डॉक्यूमेंट बनाना है अपने ही यहां पे लैपटॉप पे स्टोर करना है। अब लैपटॉप पे स्टोर करने के लिए आदमी तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्रेश विंडो है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आप साइड पे गौर करो, साइड के ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए बटन बनाना, क्रिएट न्यू, नहीं मेन्यू में चले जाओ, फाइल न्यू, नहीं सामने की याद कर लो कंट्रोल एल, ये कीज कॉमन कीज होती हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, कंट्रोल एन आपको मिलता है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे कॉरल हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, कंट्रोल एन। और इसीलिए आपका विंडोज आपका फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, इजी टू ऑपरेट होता है, इजी टू लर्न होता है, इजी टू यूज होता है। तो कंट्रोल एन प्रेस कर दो, कर दिया, और मुझे आज के दिन में जब मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, मुझे यहाँ पे कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं, इनको जरा देख लो। जो स्टूडेंट्स मेरे फोटोशॉप कर चुके हैं उनके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही चीजें हैं, रीसेंट, सेव्ड, मोबाइल, मोबाइल के लिए ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। अगर आप इफ यू वांट टू डिजाइन समथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ साइज, ये आईफोन के एक्स साइज, आईफोन मॉडल नंबर प्लस के साथ आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास साइजेस, विड्थ एंड हाइट। आप हो सकता है कोई डिजाइन अपने उस मोबाइल स्क्रीन के लिए आपने डिजाइन करना है, और एग्जैक्टली उस मेजरमेंट में विड्थ और हाइट पिक्सल में दिख रही है। ये देखो सामने पिक्सल दिख रहा होगा, पीएक्स कितनी, 1080x1920, वो कितनी आईपैड के लिए, 768x1024, विड्थ और हाइट आपको दिख रही होगी। अगर आप मोबाइल स्क्रीन्स के लिए कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहो, ये एप्पल वॉच के लिए भी है, ये देखो एप्पल वॉच के लिए कोई ऐसा डिजाइन आप क्रिएट करना चाहो, आप कोई क्लाइंट कहता है यार मेरी एप्पल वॉच के ऊपर मैंने वॉलपेपर लगाना है, खूबसूरत सा बना के दो, तो आप ना ही पता है इनमें से किसी साइज को लोगे ना, अगर आपको इनमें से साइज नहीं मिलता अपनी स्क्रीन के लिए, तो यहाँ पे साइज खुद भी दे सकते हो। ये विड्थ नजर आ रही है और ये हाइट नजर आ रही है, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर देना अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज मोबाइल के लिए। और अगर आप मोबाइल को छोड़ के वेब के ऊपर जाना चाहो, तो आप आमतौर पे वेब का साइज, विड्थ और हाइट, आप अपने पेज के ऊपर कितना विड्थ और हाइट का डिजाइन अपना रेड करना चाह रहे हो, मैकबुक के लिए भी अवेलेबल है, ये देखो मैकबुक भी है, और भी आपको कुछ नजर आएंगे साइजेस। और अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो समथिंग, जैसे ये प्रिंट करना है, लेटर साइज पे प्रिंट करना है, A4 साइज पे प्रिंट करना है, लीगल साइज पे प्रिंट करना है, आप यहाँ से साइज ले सकते हो। विड्थ और हाइट इस वक्त मिलीमीटर में दिख रही है, क्यों मिलीमीटर में दिख रही है, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट साइड पे मिलीमीटर है। इसका मतलब
जब कभी साइज सेट करते हो स्टूडेंट्स, तो आपने ये चीजें डिसाइड करनी होती हैं। पहला ये होता है आर्टबोर्ड का साइज, हाउ टू सेट आर्टबोर्ड साइज। इसमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं? नंबर वन, आपको अपने आर्टबोर्ड का विड्थ और हाइट बतानी पड़ती है। पहले विड्थ होती है मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, ये जरूरी है। कभी ये नहीं कहना हाइट पहले, नो, हमेशा विड्थ पहले होती है, चौड़ाई, उस पेज की लंबाई। नंबर टू, दूसरा चीज क्या बताते हो? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर आपका बैकग्राउंड यूके बेस्ड है तो ये मीट्रिक में होता है। मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर वगैरह, ठीक है, मिलीमीटर वगैरह इसमें मिलेगा। और अगर आप यूके के अलावा किसी और रीजन से बिलोंग करते हैं, हम आमतौर पे यूएस का स्केल यूज कर रहे होते हैं, और हम जिसमें स्केल में सब फेमिलियर होते हैं, थोड़ा सा जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमारी इसमें यूएस के मुताबिक इंचेस वगैरह, डॉक्यूमेंट का साइज विड्थ में कितना इंच बाय इतना। तो आमतौर पे जो बड़े फेमस साइजेस हैं, फेमस जो बड़े साइजेस हैं, आप लोग उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो आपका एक तो लेटर साइज होता है, हर किसी को पता है लेटर साइज का मतलब क्या होता है, 8.5 बाय, ठीक है, 11, हर कोई इससे फेमिलियर है। और ये आमतौर पे इंचेस में मेजरमेंट होती है, लेकिन आप अगर चाहो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर आप इसमें कुछ साइज और भी होता है, लीगल साइज होता है। लीगल साइज में थोड़ी सी मेजरमेंट एज कंपेयर टू लेटर, विड्थ तो सेम ही होती है, हाइट लीगल पे जैसे कि आप देख रहे होगे थोड़ी सी ज्यादा होती है, 14 इंच होती है। इसके अलावा भी A4 है, A3 है, और भी साइजेस के आपको डिटेल नजर आएगी यहाँ पे। आपने जो साइज सेट करना है, आपने साइज ऑन कर दीजिएगा विड्थ हाइट में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप इसके बता दीजिएगा, ठीक है। ये दो चीजें बतानी है, प्लस नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, कितने चाहिए डिजाइन्स, पेज कितने चाहिए, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स बता दो। ये दो तीन चीजें तो आपने बतानी है, और देखते हैं क्या क्या है। ये देखो चेक करना, पहले तो आपने साइज मेंशन कर दिया, लेटर साइज चाहिए, मिसाल के तौर पे लेटर साइज चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, मेजरमेंट कौन सी स्टाइल में चाहिए, आप को ये इंचेस में देख रहे हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पिक्सल्स हो सकते हैं, फॉर योर स्क्रीन प्रोडक्ट्स, पॉइंट्स टाइपिंग के रेलेवेंट, पिकास टाइपिंग से रेलेवेंट यूनिट है, इंचेस यूएस विड्थ और हाइट, फीट में भी है, फीट एंड इंचेस भी है, यार्ड्स भी है, मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मीटर्स भी है, ये डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल जिस यूनिट के साथ आप फेमिलियर हो, या आपका क्लाइंट अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो यूनिट आप ऑन कर दो। इंचेस देखें, एक्चुअली 8.5 विड्थ होती है लेटर साइज में, और हाइट कितनी होती है, 11। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप जानना चाह रहे हो कि क्लाइंट कहता है यार लेटर साइज तो ले लिया, मिलीमीटर में कितना बनता है, इसको जानने के लिए आपने कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ जाना, यही जाओ MM, मिलीमीटर, 215.9 विड्थ, 8.5 का एग्जैक्टली कन्वर्जन, और 11 की एग्जैक्टली कन्वर्जन 279.4। और यही अगर आप फीट्स में जानना चाहो, ये फीट है, फीट में बनता है 0.783 फीट, और हाइट कितनी बनती है, 0.9167 फुट फीट वगैरह। आप यहां से किसी वक्त भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे में स्विच कर सकते। अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे जरा पिक्सल में शो कर दो, पिक्सल में डिपेंड करता है ये वैल्यू, आपको 612 जो दिख रही है नीचे, 782 जो दिख रही है, 92 जो दिख रही है, वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि पर इंच कितनी रेजोल्यूशन ऑन की हुई है, 300 है, ये देखो नीचे 300, 300 को जरा आप उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू पिक्सल में आपको दिखाई देगी, पर स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल, 300 है, ठीक है, ये आपको पिक्सल में वैल्यू दिखा रहा है।
और अगर आप फिलहाल तो मैं आपको कहूँगा लेटर साइज जो होता है, मैं आपको मजीद इसको, आप कंफ्यूज नहीं होना, इंचेस आपने ले लिया 8.5 बाय 11 आपने सेट कर दिया। और दूसरी जो चीज सेट होती है स्टूडेंट्स वो होता है ब्लीड मार्जिन, ये 8.5 बाय 11 का कंटेंट रेडी हो गया, ठीक है। और आपने यहां से ब्लीड मार्जिन छोड़ना है 0.125, 0.125, 0.125 और 0.125, हर जगह से, चारों साइड से। वजह क्या है? कटिंग, जब ये बिग शीट्स लगती हैं आपकी, प्रिंट निकलती हैं, तो जब शीट्स आ जाती हैं तो कटर के थ्रू उनको काटा जाता है। जब ये काटा जाता है तो आमतौर पे ब्लीड मार्जिन छोड़ देना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर होता ये है, और आप इस चीज का ख्याल करते हो, कंटेंट इस ब्लीड मार्जिन के अंदर रखना है, बाहर ना आ जाए, एजिस पे ना आ जाए, कोई फोटो लगा हुआ है, कोई टेक्स्ट लगा हुआ है, वो कट गया बुरा लगेगा, हेड ही ऊपर से कट गया कैप का, ठीक है, तो नजर नहीं आएगा लिखा क्या हुआ, या कॉन्टेंट अगर है तो वो एजिस पे रखना मुनासिब नहीं होता। तो ब्लीड मार्जिन वो सेफ एरिया होता है जो कटिंग के लिए आप रिजर्व कर देते हो। तो ब्लीड मार्जिन अगर आप देना है, अगर ब्लीड मार्जिन देना है यहां से देते हैं, और ये चारों साइड पे एक जैसा आमतौर पे रखा जाता है, लेकिन अगर टॉप और बॉटम का अलग, लेफ्ट राइट का अलग रखना चाहो रोकेगा कोई नहीं। वो कैसे? ये लिंक ऑन करके। अगर ये लिंक ऑन है, एक वैल्यू सेट करोगे तीनों सेट हो जाएंगे इकट्ठी। ये देखो आमतौर पे 0.125 इज ओके, ज्यादा देना चाहो वो भी दे सकते हो, आप थोड़ा सा और थोड़ा सेफ मार्जिन रखना चाहो ब्लीड का दे सकते हो। चारों मैंने एक जैसे दे दिए। और अगली बार, इसका मतलब है अभी तक आपको मैंने आर्ड बोर्ड कितने हैं बताता हूं, चौथा आपने जो काम किया है वो है ब्लीड मार्जिन दिया है। और आमतौर पे ब्लीड मार्जिन कितना देना चाहिए? 0.125 इज ओके, ठीक है, 0.125 इंचेस ओके। नंबर 5, आपको कलर मोड क्या देना है? कलर मोड लाजमी होता है, अगर आप प्रिंट कर रहे हो, ये प्रिंट ही करना है ना, पेपर पे प्रिंट हो रहा है, तो कलर मोड आपने CMY के देना है, इफ यू वांट टू प्रिंट, और इफ यू वांट टू पब्लिश या प्रिंट। दूसरा क्या हो सकता है मोड, कलर मोड में, वो आपका RGB हो सकता है, RGB फॉर स्क्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये होता है फॉर स्क्रीन प्रोडक्ट्स, फॉर स्क्रीन के लिए, फॉर डिजिटल मीडिया वगैरह। एग्जाम्पल फेसबुक, यूट्यूब थंबनेल वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें जो आप स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड बना रहे हो, तो गो ऑलवेज विद CMY के। हियर सी इज नोन एज सियान, एम मजेंटा, वाई येलो, एंड के की कलर इज ब्लैक। और आप अगर आपको इत्तफाक हो कभी प्रिंटर पे, जो कलर प्रिंटर होता है उसमें कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, अर्ली डेज में 4 कार्ट्रिजेस होते थे, सियान का अलग, मजेंटा का अलग, येलो का अलग, के ब्लैक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर की डार्कनेस एंड लाइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। लाजमी जितना शेड ब्लैक ऐड करेंगे आपका कलर डार्क की तरफ टोन चली जाएगी, और अगर आप व्हाइट रखोगे, कम रखोगे ब्लैक को, तो वो लाइट शेड में आ जाता है, जो भी कलर हो, सियान हो, मेजेंटा हो, येलो। इसका मतलब इनको अगर आप के साथ मिक्सअप करो तो एक कलर, जो कि ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी, प्राइमरी फॉर प्रिंट और प्राइमरी फॉर स्क्रीन, स्क्रीन के लिए सिर्फ 3 ही होते हैं, और इनके मिक्सचर से आपके कलर नंबर जो सेकेंडरी कलर बनते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी। तो प्राइमरी कलर आपके पब्लिश के में CMY के होते हैं, और प्राइमरी कलर फॉर स्क्रीन RGB होते हैं, बाकी सेकेंडरी और टर्नरी कलर कहलाते हैं, जो 2 या 3 कलर के मिक्सअप से बनते हैं। तो बेसिक कलर यही होते हैं, 3 होते हैं स्क्रीन के लिए और 4 होते हैं प्रिंट के लिए, कार्ट्रिजेस इसमें सपोर्ट में होते हैं हार्डवेयर वाइज, और आपको प्रिंट निकाल के देता है जो कॉन्टेंट का कलर होता है। ये जो चीज है ये बतानी पड़ती है आपको, यहां पर डिसाइड करना पड़ता है RGB और CMY के, ये आपने कर दिया। अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, अच्छे इफेक्ट्स के साथ चाहिए, ऑलवेज गो विद 300। लेकिन ये किसके लिए होती है 300 रेजोल्यूशन? आपके प्रिंट प्रोडक्ट्स के लिए, जो प्रिंट निकालना है, स्क्रीन के लिए 300 की जरूरत नहीं होती। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच, 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने रख के आपका जो प्रोडक्ट
आपके पेपर पे आएगी या वो स्क्रीन पे जाएगी। स्क्रीन के ऊपर इतनी जरूरत नहीं होती, वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे, ये देखना जरा, थोड़ा ऊपर करता हूँ। स्क्रीन के लिए कितनी है? 72 इज ओके, 150 भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन याद रखना, अगर कोई प्रिंट करनी है चीज हाई पे रखना है, अगर सिर्फ स्क्रीन के लिए बनानी है, प्रिंट में नहीं रिक्वायर्ड, तो फिर 72 पे रखना, ठीक है। और इससे फर्क क्या पड़ता है आपको सर? इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है? साइज फाइल का, साइज आपका फाइल का बढ़ जाएगा 300 पे, 72 पे साइज कम रहेगा। और आमतौर पे जब आप कोई कंटेंट रेडी करते हो अपने क्लाइंट को सेंड करते हो, यूट्यूब का थंबनेल ही बनाया सेंड करते हो, रेजोल्यूशन 72 इज ओके, ट्रेवल करने में आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू, तो साइज कम ही रखो, फिर 300 की क्या जरूरत है। तो 300 अच्छी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के लिए 300 रखिएगा, और खासतौर पर प्रिंट मटीरियल के लिए। अगर नहीं करोगे, कॉल आएगी आपके प्रिंटिंग जो आपका पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कि आपकी रेजोल्यूशन इस इमेजेस की, इस पेजेस की अच्छी नहीं है, तो कम से कम सर 300 तो करें इसको, तो डिजाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट है 300 इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्क्रीन के लिए रेडी करना है अपना कोई डिजाइन कॉन्टेंट, तो 72 इज ओके। ये जी रास्टर इफेक्ट्स या रेजोल्यूशन से बोलते हैं। पिक्सल पर इंच, पीपीआई, और ये प्रिंटिंग के लिए कितना? 300 प्रिंट के लिए, और डिजिटल के लिए 70, या स्क्रीन के लिए जिसे बोलते हैं 72 फॉर स्क्रीन, ठीक है। बस इतनी सी सिंपल सी बात जो आपको यहां पे बता दी गई है, ठीक है। और ये आपने अगर कर दिया है, आर्ट बोर्ड कितने चाहिए बताओ, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड भी तो बताने हैं ना। ये नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड किस साइड पे है के ऊपर, अगर तो क्लाइंट कहता है मुझे सर चार पांच डिजाइन जरा बना के भेजें, कोई पोस्ट लगानी है, कोई बैनर बनाना है, कोई बुक के टाइटल दे सर तीन चार जरा जबरदस्त किस्म के बना के भेजें, तीन चार टाइटल मैं फिर उनमें से एक सिलेक्ट कर दूंगा, तो आर्ट बोर्ड आप एक ही वक्त में बता सकते हो, बाद में भी बता सकते हो, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप स्टार्ट में एक रखना है रख लो, कोई मसला नहीं, बाद में इंक्रीज कर लेना दो तीन चार पांच। और अगर आप कर दिया, करने के बाद ये सबसे नीचे ऑप्शन है क्रिएट की, ये लो आप, ये अब चूंकि आपने पांच कहा था, ये पांच आर्ट बोर्ड आ जाएंगे, पांच है जितनी मर्जी कर लो, आपके कंप्यूटर के ऊपर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, रैम शैम अच्छी है तो जितने मर्जी बनाते जाओ। लाजा 500 पेजेस की बुक बनानी है, 500 रख दो। तो ये डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज क्या है, रैम रिसोर्स है, स्टोरेज हार्ड डिस्क या एसएसडी रिसोर्स है। लाजा तो इसने कहीं स्टोर होना है परमानेंटली, जगह है जरूर करेगा। क्या आपने वर्किंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, रैम के अंदर करनी है, रैम अलाउ करती है आपको? करती है तो अगर नहीं करेगी मैसेज आ जाएगा कि रैम इज शॉर्ट वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये आपके पास कितने पेजेस आ गए, और इसमें एक चीज स्टूडेंट गौर करो, एक रेड लाइन भी दिख रही है, वो है 0.125 फासले पे, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीड मार्जिन। वो जो ब्लीड मार्जिन नहीं दी थी चारों साइड पे, 0.125 0.125 0.125, ये नहीं दिखेगी अगर जीरो होती, बाय डिफॉल्ट जीरो थी, लेकिन मैंने जानबूझ के 0.125 इसलिए की थी ताकि आपको ये नजर आए। और ये देखो दोनों आर्ट बोर्ड के अंदर इसकी ये इधर की है, ये इधर वाले आर्ट बोर्ड की है, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जगह पे नजर आ रही है, ये इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। तो आपको विजुअली भी मैंने दिखा दिया कि ब्लीड मार्जिन होता क्या है और कैसे सेट करते हैं। अब अगली बात, ये जब आपने ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट, आपका एक खाली है, अभी कुछ नहीं है, कंटेंट अभी आपने डिसाइड भी नहीं किया, पांच आर्ट बोर्ड आपने बना दिए, ये पांच आर्ट बोर्ड जो आपने बना दिए हैं, अब हमारे पास रह गए कुछ मिनट्स, मैं अब आपको इसकी इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरफेस के बारे में कल बताऊंगा, आज मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इसको सेव करके क्लोज करके चला जाऊंगा, कल इसी फाइल को ओपन करूंगा। और जब ये सारी चीजें आपने कर दी हैं, डिसाइड हो गई हैं, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड भी बता दिए हैं, उसके बाद यू नीड टू क्रिएट योर कॉन्टेंट, जो भी बनाना है बना दो, एंड सेव, सेव भी तो करना है।
सेव करोगे, एक ही दिन में थोड़ी डिजाइन बन जाएगा, एक पेज थोड़ी बनाना है, ऐसे करके बना दोगे, कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो लाजमत है, एक दिन 10 दिन लगते हैं जितने भी, तो आप उसको सेव करते रहो। सेव करने का आसान सा तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन था, न्यू के लिए जिसे बोलते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है, ये जरूर प्रेस कर दिया करो। आमतौर पे जो ग्राफिक डिजाइनर इस की को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो वहां पे पावर शॉर्टेज है, ठीक है, पावर आपका इसका भी ऑफ हो सकता है, डेस्कटॉप है तो वो भी हो सकता है, यूपीएस नहीं चल रहा, कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस। जब कभी आप कंट्रोल एस करते हो, यू नीड टू डू टू थिंग्स, क्या, फर्स्ट फर्स्ट यू नीड टू गिव फोल्डर नेम अपने क्लाइंट के लिए जो बनाने जा रहे हो, फोल्डर का नाम क्या रखा ताकि कल को आपको ढूंढने में मुश्किल दिक्कत ना हो। दूसरा, फाइल नेम इज इंपॉर्टेंट, दो चीजें आपने बतानी है। आपने अगर अपने क्लाइंट के 5 पोस्टर बनाने थे तो क्लाइंट का नाम एबीसी है तो आप क्या करोगे, आप इसमें आओगे, अभी मैंने कंटेंट बनाने के लिए जाना है, सेव कर लेते हैं पहले फाइल, क्योंकि सेव करके आज जाऊंगा कल यहीं से ओपन करूंगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंट्रोल एस क्लिक कर दोगे, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वो लोकेशन जहां पे सेव करोगे, मिसाल के तौर पे सामने ही रखते हैं डेस्कटॉप पे, और यहां पे हमारा क्लाइंट है, स्टार्ट रियल स्टेट, लो जी इसका ये हमने कंटेंट रेडी करना है, और इसके कुछ पेजेस इसके जो इसने डेस्क के ऊपर रखने हैं, 5 डिफरेंट 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 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर स्कीम्स हैं, डील्स हैं, वो चार्ट पूरा बना हुआ, टाइप टेबल बना हुआ है, और उसमें अमाउंट्स मेंशन किए हुए हैं, और डिफरेंट डिजाइन वहां पे पड़े हुए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये स्टार क्लाइंट का प्रोडक्ट है, स्टार पोस्टर, नाम दे दिया, लोकेशन फोल्डर बता दिया, नाम दे दिया, सेव कर दिया, ये जी सेव हो गया, और सेव करते वक्त ओके कर दो, सेव करते वक्त आपको वो नाम वहां नजर आएगा, वो टॉप पे स्टार पोस्टर CMYK सब दिख रहे हैं। अगर आपने मजीद आज की डेट में कुछ जानना है, कुछ समझना है, वो मैं बताने लगा हूं, अगर इसको आपने क्रॉस करना है, क्रॉस का मतलब बाय बाय सेव, ये लो अब स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं है, दोबारा उसी स्टेज पे आ गए जैसे था, कल को अगर आते हो आप इसी तरह यहां पे ओपन करोगे, ऐसे जैसा सेव होता है ऐसा ओपन भी होता है, और लोकेशन पे जाओगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे ये देखो स्टार रियल स्टेट और ये फाइल, ये ओपन होती है, तो इसका मतलब सेव करना आ गया, ओपन करना आ गया, न्यू ऑप्शन बता दी। तो आज आपने 3 काम ये सीख लिए, फाइल मेन्यू, एक मेन्यू था, और फाइल मेन्यू में आपने ये 3 चीजें ऑप्शन सीख ली हैं, पहली क्या, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, नंबर टू उसको सेव कैसे करते हैं, नंबर थ्री उसको क्लोज कैसे करते हैं, नंबर फोर जब हो बंद शांत हो जाए तो कल को या अगले लम्हे ओपन करना है तो ओपन किस तरह करना है, ये 4 ऑप्शन फाइल मेन्यू में मौजूद होती हैं, और इनकी कीज भी वेरी सिंपल, कंट्रोल एन कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू विंडो क्लोज, डब्ल्यू विंडो क्लोज, ओपन कंट्रोल ओ, ये अगर आप जानना चाहो पढ़ना चाहो ये पढ़ सकते हो, आपको दिख रहा होगा न्यू के सामने कंट्रोल एन, ओपन के सामने कंट्रोल ओ, क्लोज के सामने कंट्रोल डब्ल्यू, सेव के सामने कंट्रोल एस, बाकी भी हैं, प्रिंट निकालना, प्रिंटर अगर लगाओ वेरी फेमस कंट्रोल पी, और अगर आपने एप्लीकेशन से बाहर आना हो एग्जिट कंट्रोल क्यू, ये भी कर सकते हो, या सबसे आसान काम होता है ये क्रॉस कर दो, वो क्रॉस क्लोज, या एक काम और हो सकता है, या आइकन दिख रहे हैं इलस्ट्रेटर का, यहां पे क्लिक कर दो, शॉर्टकट की नजर आ रही होगी, ऑल्ट प्लस ये भी प्रेस कर सकते हो, कभी ये देखो ऑल्ट प्लस F4 बंद होगी फाइल, फाइल ही नहीं बंद हुई, एप्लीकेशन क्लोज हो गई, फाइल तो उसमें एक ओपन हुई हुई थी, दो भी हो सकती थी, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी क्लाइंट के पड़े होंगे, तीनों में काम कर रहे हो, ऑल्ट F4 और कंट्रोल W में फर्क है,
कंट्रोल डब्ल्यू सिर्फ एक विंडो को बंद करता है, ऑल्ट F4 सारी एप्लीकेशन ही क्लोज कर देता है। फर्क समझ आया? तीनों में फर्क है, मतलब एक क्लाइंट नहीं, आपके तीन क्लाइंट हैं, तीनों क्लाइंट की आपने फाइलें ओपन की हुई हैं, तो कंट्रोल डब्ल्यू से किसी एक एक्टिव विंडो को बंद करेगा, जो कि क्रॉस करने से भी कर रहे हो, छोटा सा क्रॉस लगा हुआ था। और अगले दफा जब आओ तो आज के दिन में आपको ये पता चल गया कि क्या काम है न्यू का, क्या काम है ओपन का, क्या काम है सेव का, क्या काम है क्लोज का। ओपन करते हैं दोबारा से, स्टार पोस्टर सामने आ गया, कल ना इस पोस्टर के ऊपर कंटेंट बनाएंगे, ये जो पांच आपको नजर आ रहे हैं इन पे कंटेंट बनाएंगे भी और एक्सपोर्ट भी करके क्लाइंट को भेजेंगे भी, ताकि आपको रियल टाइम पे किससे काम कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में सीख लिया जिसने सीखना था, कॉरल में सीख लिया जिसने सीखना था, अब आपने इसको इलस्ट्रेटर में सीखना है, आपको ऑप्शन काम आएंगी जो इसमें मौजूद है। और लाल जाता है आपको, मैंने कहा कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाने के लिए ये टूल बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये टूल बॉक्स है देख रहे हो, टूल ही टूल, ठीक ठाक लंबे चौड़ी लिस्ट है, और ऐसे टूल्स भी हैं जिसके अंदर सब टूल्स हैं, जैसे ये देखो एक नहीं है, पांच पांच छह छह की कलेक्शन है, ये देखो लंबी चौड़ी लिस्टें नजर आ रही हैं आप। और उसने ये टूल बहुत पावरफुल है, जिसने ये टूल सीखा उसको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये सारे टूल्स हैं जितने भी हैं, किसी में एक है, किसी में एक भी नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे टूल भी हैं जो सिंगल है, जैसे ये पहले वाला सिलेक्शन टूल, बहुत आसान सा काम है इसका, आपको बताऊंगा। ये एक टूल सिंगल नजर आएगा या इसमें और दो तीन टूल सिंगल नजर आएंगे, जैसे ये मैश टूल, जैसे ये ब्लेंड टूल, जैसे ये जूम टूल, जैसे ये आर्टबोर्ड टूल, ये वो टूल्स हैं जो सिंगल है, मतलब क्या, एक ये भी है ग्रेडियंट। अच्छा, एक चीज मैं टूल बॉक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट करना है टूल बॉक्स। बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं सर बड़ा ही सिंपल टूल बॉक्स मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपका बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, ये है एडवांस टूल बॉक्स। एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस। अगर आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम नजर आए, दो तरीके हैं इसको देखने के, टेस्ट करने के, चेंज करने के। विंडो मेन्यू में जाओ, यहां पे ये है टूल बार, ये जिसके बारे में बता रहा हूं, ये कौन है जनाब, टूल बार। टूल बार में इस वक्त टिक किस पे लगा हुआ है, बेसिक पे या एडवांस पे, इसीलिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे तो बेसिक बेसिक सिखा रहे हैं, जान छोड़े मेरी, बेसिक ये है जी, बेसिक गौर करो, क्या ये शॉर्ट नहीं होगी लिस्ट। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर एडवांस नहीं, बेसिक ही ठीक है, ये आपने यहां से डिसाइड करना होता है, दो तरीके डिसाइड करने के, विंडो, टूल बार्स, एडवांस और बेसिक। तो आपने क्या सीखनी है मुझसे, वेरी गुड, सारा सीख के जाना है ना, ये बेसिक थोड़ी सीखनी है, एडवांस। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपको पूरा का पूरा ये टूल बार नजर आ रहा है, मैं इसको सिंगल कॉलम में देखना चाहूं, ये सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम में देखना चाहूं, ये डबल कॉलम है, मैं ये कर रहा था, खेल रहा था इसके साथ, अचानक ये क्रॉस हो गया, टूल बॉक्स गायब। आपने क्या करना है, विंडो मेन्यू में जाके टूल बार में ही जाके दोबारा से ऑन ऑफ कर सकते, कौन सा चाहिए, एडवांस। अच्छा, एक तो यहां से एडवांस और बेसिक में स्विच कर सकते, दूसरा तरीका, ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल नीचे, और क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, एडिट टूल बार, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर देना, ये देखो ये कॉर्नर पे आइकन नजर आ रहा है एक छोटा सा, कौन सी टिक है इस वक्त, एडवांस और बेसिक, बेसिक कर करोगे यहां से करोगे, तो इसका मतलब एक ही काम करने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, चाहे मेन्यू में वहां से आ जाओ, चाहे इसी के थ्री डॉट्स में जाके कर लो। और मैंने क्या थोड़ी देर पहले आपको जब इलस्ट्रेटर की वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा था, उसमें मैंने कहा था बिहाइंड और इनसाइड, ये वो क्या था, वो ये था,
मैंने कहा था दिखाऊंगा, मुझे जेन में आ गया, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने सिंपल सा सर्कल लगाया, ये एक सिंपल सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर मैं फिलिंग भी कर देता हूँ, ये सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, फिलिंग भी कर देता हूँ। फिलिंग करने के बाद आपको मैंने कहा था तीन मॉड्स होते हैं ड्रॉ करने के, तीन मॉड्स होते हैं। ये तीन मॉड्स मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये ड्रॉ नॉर्मल है। अगर मैं कुछ बनाऊंगा स्टूडेंट्स, कुछ भी बनाऊंगा, लाइन लगाता हूं, ये ऊपर लगेगी, नॉर्मल बिहेवियर। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। अब मैं करता हूं ड्रॉप बिहाइंड, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप बिहाइंड। चेक कीजिएगा पिछले में और इसमें क्या फर्क है। पिछले में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ड्रॉप बिहाइंड। क्या मॉड ऑन किया हुआ है, ड्रॉ बिहाइंड। इसका मतलब जो कुछ भी बनेगा, जरूरी लाइन रेक्टेंगल का, ड्रॉ कौन सा ऑन किया हुआ है, ड्रॉ बिहाइंड। चेक करना जरा, कलर वाला भी डाल देता हूं, रेड वाला चेक कर, क्या हो रहा है, ड्रॉ बिहाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि बना मैं बाद में रहा हूं, जा पीछे रहे, मॉड नॉर्मल मॉड में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल मॉड में हर चीज ऊपर आती है, हर ऑब्जेक्ट नया जो आने वाला ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं जाता। लेकिन ये मॉड अगर ऑन कर दें तो जो कुछ भी बनाओगे पिछले ऑब्जेक्ट के पीछे बने, जो करंट ऑब्जेक्ट उसके पीछे बने, बात तो जरूरत पड़ती है करने की, जरूरत कर सकते। अच्छा अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एवरीथिंग इज ऑन। थर्ड मॉड भी देखते, एक है ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड, चेक कीजिए लाइन लगा के मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया। जैसे मैंने माउथ छोड़ा तो साइड पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे साइड पे मैंने क्लिक किया, ये गौर करो लाइन लगी है लेकिन इनसाइड लगी है, क्योंकि मॉड कौन सा होना है, ड्रॉ इनसाइड। बाद बाद आपको अपने डिजाइन के अंदर ऐसा करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखो क्या ऑप्शन ऑन है, इनसाइड, हालांकि मैं बनाया तो मैं बाहर आई है। जैसे माउस बटन छोड़ूंगा और इसके अंदर तो फिनिशिंग भी चलिंग कर देते हैं, चेक कीजिए क्या हो रहा है, ड्रॉ इनसाइड, लाइन भी शेप भी, वो शेप के इनसाइड बन रही है जो आप कंटेनर का काम कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। जो फीचर आपको वेबसाइट पे दिखाई थी तो ये थी क्या, वैसे बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, ये पहले नॉर्मल, क्या बोलते हैं, ड्रॉ नॉर्मल। दूसरा क्या है, ड्रॉ बिहाइंड, और तीसरा क्या है, ड्रॉ इनसाइड। अच्छा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको सेव कर लो, सेव हर दफ़ा करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जरूर तैयार करो, सेव करके इसको एप्लीकेशन को क्लोज कर दो। क्लोज करके कल जब हम आपको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड आपको बताना शुरू करो।